असल में देखो, पता है बात क्या है, ये GitHub जो है ना, ये सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है डेवलपर्स का। एक तो होता है ना कि सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है कि भाई लोग कोड शेयर करते हैं, सिर्फ यहाँ तक नहीं है बात। बात यहाँ तक पहुँच गई है अभी कि कोई भी क्लाइंट आपको एज अ फ्रीलांसर, जब आप कहीं पे काम करते हैं या एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर आप किसी जगह पे जॉब करने जाते हैं, तो वो एज्यूम कर रहा होता है बाय डिफॉल्ट कि इसको गिट और गिटहब का पता होगा पहले से, ठीक है। अगर आप क्लेम कर रहे हैं कि आप डेवलपर हैं और आपने अगर ये कह दिया कि यार मुझे गिट का नहीं पता, तो आपके डेवलपर होने पे सवालिया निशान है। इसकी मैं आपको मिसाल देके समझाता हूँ। अगर आप कह रहे हैं कि मैं टेलर हूँ, आप टेलर की जॉब के लिए गए, कह रहे हैं मैं टेलर हूँ, और आप कह रहे हैं कि मुझे कैंची का नहीं पता कि कैंची क्या होती है, तो ये कैंची का नहीं पता होना ना आपके टेलर होने पे सवालिया निशान है। यार कभी ज़िंदगी में कैंची नहीं देखी, कैंची का नहीं पता इसको, ये कह रहा मैं टेलर हूँ, तो गिट में ना वहाँ तक कहानी पहुँच चुकी है। तो होता क्या है, जब आपको कोई प्रोजेक्ट मिलता है फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पे या आपके जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं, तो आपको वो जो प्रोजेक्ट मिलता है ना, वो गिटहब में पहले से डला हुआ होता है, आपको उसका एक्सेस मिलता है, ठीक है। और आपका क्लाइंट या आपका बॉस या आपका इंचार्ज बाई डिफॉल्ट एज्यूम कर रहा होता है कि इसको गिट आता है, ये कहेगा क्लोन कर लो, आपको पता ही नहीं है क्लोन क्या होता है, फिर अब क्या होगा, सिखाता नहीं है कोई, ये तो क्लास होती है तो आप सीख जाते हैं। क्लाइंट आपको बोलेगा कि ठीक है यार मैं किसी और को हायर कर लूँगा, आपका बॉस कहेगा कि मुझे ये शाम तक जो है ना गिट पढ़ो पूरा और शाम तक मुझे रिपोर्ट करो, नहीं कर सकते आपको इंटर्नशिप वालों के साथ बिठा देंगे, बहुत बेइज्जती होती है जो इंटर्नशिप में बच्चे हायर हुए हैं ना उनके साथ बिठा देगा, कह अगर वो पढ़ रहे हैं जाके उनके साथ पढ़ो। तो जॉब में कोई नहीं आपको बताएगा कि यार ये अच्छा ऐसे होता है ऐसे कर लो, ये कोई सीन नहीं चल रहा, सबका टाइम इम्पॉर्टेंट है और ज़ाहिर है टाइम और मेहनत के ही पैसे देते हैं। जब आपको आप डिलीवरी नहीं कर पा रहे होंगे तो आपको पैसे भी नहीं मिलेंगे अल्टीमेटली, तो वो एज्यूम कर रहे होते हैं इसको आता है, तो एटलीस्ट इतना तो सिखा दूँ कि बेइज्जती ना हो। अच्छा अब हम आगे चलते हैं। अब आज हम करने जा रहे हैं, देखो हम इस कोर्स में करेंगे क्या क्या वो मैं तुम्हें समझा देता हूँ। सबसे पहले जावास्क्रिप्ट, वैसे तो एज्यूम कर रहा हूँ मैं कि आप लोगों को सबको आती होगी और ये प्रीरिक्विजिट भी थी, लेकिन हम जावास्क्रिप्ट यहाँ पे दोबारा से पढ़ेंगे, गो थ्रू करेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। अच्छा तो पहले तो जावास्क्रिप्ट और जो बेसिक जो प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल्स हैं, फंडामेंटल्स क्या होते हैं जो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम होते हैं, वो फंडामेंटल्स हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज में एक दफ़ा पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये मैंने अभी वो ओपन किया हुआ था, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट के ऊपर सर्वर कैसे बनाते हैं, पहले जावास्क्रिप्ट के फंडामेंटल पढ़ लिए, उसके बाद हम पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट के सर्वर कैसे बनाते हैं, उसके लिए हम फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे एक्सप्रेस जेएस और प्लेटफॉर्म होगा नॉट जेएस का। अच्छा ये दोनों चीज़ें पढ़ने के बाद ना फिर हम जाएंगे चैटबॉट की तरफ, ठीक है। तो ये जो दोनों चीज़ें यहाँ तक ये बेसिक्स चल रही होंगी आपकी, जाहिर है जब तक हम एक बेस नहीं खड़ा करते उस पर बिल्डिंग हम तैयार नहीं कर सकते, ठीक है। जब ये सर्वर बनाना हम सीख जाएंगे जावास्क्रिप्ट के ऊपर और डेटाबेस भी थोड़ा सा हम पढ़ेंगे साथ साथ, उसके बाद हम जो चैटबॉट है हम उसकी तरफ मूव करेंगे। चैटबॉट क्या चीज़ है, मोस्टली एआई एज अ सर्विस है। एआई एज अ सर्विस क्या होता है, मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ ओरिएंटेशन में कि एक ऐसी एआई होती है जो हम नहीं बनाते, हम उसका मॉडल ट्रेन नहीं करते, हमारे पास डेटा नहीं होता, कोई किसी ने पहले से डेटा इकट्ठा करके एक अच्छा सा मॉडल ट्रेन करके रखा हुआ होता है, ठीक है। एक अच्छा सा मॉडल ट्रेन करके रखा हुआ होता है, हम उसको जस्ट इस्तेमाल करते हैं, हम उसको जस्ट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो हम ये उसकी तरफ फिर हम मूव कर जाएंगे ये फंडामेंटल्स कंप्लीट करने के बाद। अच्छा एआई एज अ सर्विस की कुछ एग्जांपल्स, अच्छा ये निकाला मैंने गूगल ट्रांसलेट, ठीक है मैंने गूगल ट्रांसलेट निकाला। अब ये मैं उर्दू में कुछ बोलूँगा ये इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देगा, ऐसा ही है ना। तुम कितने पढ़े हुए हो? How lying are you? कितने पढ़े हुए हो?
पढ़े को इसने पढ़े समझ लिया, दोबारा ट्राई करते हैं। तुम कितने पढ़े हुए हो? How lying are you? देख रहे हो? अच्छा चलो कुछ और ट्राई करते हैं। तुम्हारी तालीम कितनी है? What is your education? अब इसको समझ में आया। अच्छा तो ये जो AI है ना, अगर आपको ट्रांसलेशन करनी हो सकता है समटाइम आपको ज़रूरत पड़ेगी ट्रांसलेशन की, तो आपके ट्रांसलेशन की अपना कोड लिखेंगे एक लैंग्वेज को दूसरी में ट्रांसलेट करने का। क्या ये कोई समझदारी की बात है? बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा चलो एक उर्दू से इंग्लिश या इंग्लिश से उर्दू तो आपने कर लिया, लेकिन फिर आपने बोला चलो फ्रेंच भी अब चाहिए इसमें, अब जर्मन भी चाहिए। दुनिया में 200 पता नहीं 300 लैंग्वेजेस हैं, मेजर लैंग्वेजेस, वो जो इलाकाई ज़ुबान है वो शामिल नहीं है इसके अंदर। इलाकाई ज़ुबान तो सिर्फ पाकिस्तान में 500 से ज़्यादा ज़ुबानें बोली जाती हैं, हर 5 किलोमीटर के बाद ना ज़ुबान चेंज हो जाती है। आप अगर कराची में ट्रैवल करते हैं, मैं डेली बेसिस पे पूरा कराची ही घूमता हूँ ऑलमोस्ट 30-40 किलोमीटर के अराउंड, तो आप अगर गौर से सोचेंगे ना तो हर 5 किलोमीटर पर ज़ुबान चेंज हो जाती है। और जाहिर है शहर जब चेंज होता है तो फिर तो सभी कुछ चेंज है, फिर तो कल्चर पहनना उड़ना सब चेंज हो जाता है। ठीक है तो पाकिस्तान में 500 से ज़्यादा ज़ुबानें बोली जाती हैं जो इलाकाई ज़ुबानें हैं। ठीक है हर गांव की अलग ज़ुबान होती है। आप अगर अंदरून सिंध में जाएँ या KBK की तरफ जाएँ या पंजाब की तरफ जाएँ तो हर गाँव की अलग ज़ुबान होती है, तो वो तो शामिल है ही नहीं इसमें। ये मेजर ज़ुबान है जो डिक्शनरी में मौजूद है, जो इंटरनेट पर मौजूद है, वो तकरीबन 200-250 कोई 300 पता नहीं लैंग्वेज है। तो आप कैसे बनाएंगे सबका? पॉसिबल नहीं है। तो आप फिर या तो ऐप बना लें या तो बैठ के ट्रांसलेशन का कोड लिखते रहें। भाई ऐप के अंदर क्या होगा कि कुछ बोले बंदा उसको जवाब मिले, ये चाहिए ना मुझे, तो उर्दू में बोले उसको इंग्लिश में करके बता दें, कुछ इस तरह की कोई ज़रूरत होगी। तो उसमें अगर मैं ये करने लग गया अपना ट्रांसलेशन का, अगर सॉफ्टवेयर बनाने लग गया, तो मेरा तो हो गया अगर काम, मैं तो 6 महीने के लिए मेरा प्रोजेक्ट वहीं रुक गया। अच्छा और एक हम देख लेते हैं, ये जो नेचुरल लैंग्वेज रिकग्निशन है, जो ये मैं क्लिक करके जो बोलता हूँ, जाहिर है ये भी AI के ज़रिए हो रहा है। एग्री करते हो ना इस पर कि ये AI के ज़रिए हो रहा है? मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर कोई भी इसको बात बोलता हूँ अंग्रेज़ी में कि How long is Eiffel Tower? अब ये कितना accurately इसको समझ गया। तो ये काम क्या खुद से करना कोई समझदारी की बात है? बिल्कुल भी नहीं है। ये किसी ने बना के रखा हुआ है, गूगल ने बना के रखा हुआ है। अच्छा गूगल के अलावा भी बहुत सारे हैं, अमेजोन ने भी अपना बनाया हुआ है, ट्रांसलेशन की भी है और नेचुरल स्पीच रिकग्निशन की भी है। अच्छा फिर स्पीच जो एक बार बोल दिया मैंने वो रिटन टेक्स्ट में आ गया, अब उस स्पीच को वापस ऑडियो में कन्वर्ट करना है। ठीक है ये मैंने स्पीकर पे क्लिक किया ना, How long is Eiffel Tower? बोल के बता रहा है। ये भी AI के जरिए हो रहा है, AI के बगैर भी हो सकती हैं चीज़ें, लेकिन अभी फिलहाल ये AI के जरिए हो रहा है। सब जगह ट्रांसफॉर्मर्स हैं जिसके जरिए ये काम करवाते हैं। ठीक है वो हमारा टॉपिक नहीं है, नाम कवर करेंगे, लेकिन जस्ट ऐसे ही नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। तो क्या इसकी AI मैं खुद लिखूंगा? बिल्कुल भी नहीं। तो इस तरह इतनी सारी चीज़ें हैं जो एक डेली लाइफ के लिए जो हम एक एप्लीकेशन बना रहे होते हैं ना, उसमें इस तरह की इतनी सारी चीज़ें हैं कि अगर हम वो खुद लिखने लग गए तो वो 10 साल में भी एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है तो हेयर कम्स AI एज अ सर्विस। फिर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो हम जो पढ़ेंगे ना चैटबॉट, वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की API है। ठीक है अच्छा इसी तरह इमेज रिकग्निशन, एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। अब मुझे एक ऐसी ऐप बनानी है, मुझे ये रहा गूगल क्लाउड AI विजन, ये गूगल ने भी बनाया हुआ है, ये अमेजोन ने भी बनाया हुआ है, सब ने बनाया हुआ है। ठीक है अमेजोन वाला खोल लेता हूँ इस दफ़ा, मैं गूगल का दिखा दिया ना, अब एक अमेजोन का देख लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने कहीं पे ना वो बनाया हुआ होगा डेमो, यहीं पे डेमो हुआ करता था इनका, वो 12 अभी शो नहीं हो रहा। वो खैर मुझे अगर ये डिटेक्ट करना है, मेरे पास एक यूज़ केस आया, मुझे ये डिटेक्ट करना है कि प्रोफाइल पिक्चर जो बंदे ने अपलोड की है, मिसाल के तौर पे जैसे अपवर्क है ना एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, वो कहता है कि आप जो फोटो अपलोड करेंगे ना सनग्लासेस नहीं होने चाहिए उसमें, सनग्लासेस उसमें नहीं होने चाहिए, सनग्लासेस वाली प्रोफाइल फ़ोटो उसमें अलाउ नहीं करते हैं वो,
आपकी आपका चेहरा दिख रहा होना चाहिए। अगर आप आई साइट की ग्लासेस लगाते हैं तो वो चल जाएगा, सन ग्लासेस नहीं चलेंगे। अब मुझे ये बताओ इसको डिटेक्ट करने का क्या तरीका है, कैसे डिटेक्ट करोगे? ब्लैक कलर उसमें कितना आता है? ब्लैक कलर का कोड भी पहना हुआ है उसमें। अब एक तो तरीका, पहला सबसे पहला तरीका और सबसे बेसिक तो ये है कि मैं एक बंदा बिठा दूँ जो हर प्रोफाइल में ना जितनी प्रोफाइल अपडेट हो, एक जाहिर एक दिन में 100 हो जाती होंगी, 200 हो जाती होंगी, उससे ज़्यादा नहीं होती होगी, जितनी भी अपडेट हो एक बंदा हो वो बैठ के एक एक को अप्रूव करे कि हाँ यार ये अप्रूव है, अप्रूव है। तो इसमें लगेगी मैन पावर। अमेरिका में $20 घंटा मिनिमम वेज है एक भंगी का जो सफाई करता है ना, मिनिमम, उससे कम आप दे नहीं सकते। थोड़ा थोड़ा फ़र्क है, कहीं 15 भी है, कहीं 16 भी है, कहीं 22 भी है, 24 भी है, लेकिन ऑन एवरेज $20 घंटे का वहाँ पे वेज आपको भंगी को भी देना पड़ता है। आप अगर पान की केबिन पे भी बंदा बैठाएंगे $20 से कम आप उसको नहीं दे सकते। तो 8 घंटे बैठेगा एक बंदा, कितने हो गए ये? $160 हो गए एक दिन के। और 160 को आप मल्टीप्लाई कर लो, 26 दिन का होता है, $4,000 हो गए। ये तो वो है जो आप वेजेस में दे रहे हैं, फिर जाहिर है उसको बेनिफिट्स भी देने पड़ते हैं आपको, हेल्थ बेनिफिट्स और कुछ और अलाउंसेस होते हैं वो देने पड़ते हैं, एक्सीडेंट्स वगैरह उसके कवर करने पड़ते हैं ना, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब एक एम्प्लॉई रखते हैं तो उसके बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। फिर जहाँ वो बैठेगा वो फर्नीचर यूज़ करेगा, वो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेगा, ठीक है, उसके बहुत सारे लवाजमात हैं। ज़ाहिर है जब बिल्डिंग में ज़्यादा लोग होंगे तो वॉशरूम भी आपको ज़्यादा चाहिए होंगे। देख रहे हो कितनी सारी चीज़ें ये अपने साथ ला रहा है एक बंदा बिठाने की। तो मेरे पास ये ऑप्शन तो है ही नहीं कि मैं इस छोटे से काम के लिए एक एक्स्ट्रा बंदा लूँ। या तो मैं एग्जिस्टिंग किसी एम्प्लॉय पर ये लोड डालूँ, ठीक है, जो कि अननेसेसरी होगा उसके लिए, उसको मैं पहले ही, जाहिर है जब मैंने 10 एम्प्लॉय अगर मैंने रखे हैं अपने पास, इमेजिन कर लो, तो उन 10 एम्प्लॉय को मैंने ऐसे काम डिवाइड किया हुआ होगा कि उसको सर को जाने की भी फुर्सत नहीं है, मैं एडिशनल लोड उस पर नहीं डाल सकता। फिर उसके भी रूल रेगुलेशन है ना अमेरिका में, हमारे यहाँ तो नहीं है लेकिन वहाँ है, कि आप अगर जो अपॉइंटमेंट के वक्त ना जो आप लिख देते हैं उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा उस पर काम डालें तो वो केस भी कर देगा फिर आपने, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लोड भी आप उस पर। तो बात ये पता चली कि ये काम बंदे से तो हम करवा ही नहीं सकते, ये करवाना कोडिंग से ही है आपको। अब कोडिंग से करवाने में, जैसे एक दोस्त ने कहा कि कलर में देख लूँ कि ब्लैक कलर इसमें कितना है, तो अगर ब्लैक कलर के बाल भी ब्लैक होते हैं, किसी बंदे के बाल बड़े हैं तो ग्लासेस तो छोटे छोटे होते हैं, बाल बड़े होते हैं, बाल काले होते हैं, ये कोट ब्लैक पहन लिया, टी शर्ट ब्लैक पहन ली उसने। फिर सनग्लास अगर रेड कलर का है, सनग्लास ब्लैक थोड़ी होता है, हर कलर का होता है, ग्रीन भी होता है जो, तो अब क्या करें? ओपन ओपन सीवी तो एआई है ना, लाइब्रेरी है, ठीक है, नहीं ओपन सीवी तो बगैर ट्रेनिंग की चलता है, वो भी एआई एज़ अ सर्विस ही है काइंड ऑफ, ठीक है। तो मेरे पास एआई के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, किस दौर में जो मैं जी रहा हूँ उसके हिसाब से एआई आ चुकी है ना इस दौर में, अब एआई के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। एआई फास्ट है, एआई अच्छा, कुछ लोगों को ऐसा लगता है ना कि एआई आपको पता है बहुत फास्ट है, जो नॉर्मल मैं कोड लिखता हूँ ना उससे ज़्यादा फास्ट होती है एआई, उसको ट्रेनिंग में बहुत वक्त लगता है, वो बात अलग है, ट्रेनिंग की बात अलग है, लेकिन एक कोड जो मैं लिखूंगा ना इफ एल्स का, उसके चश्मे को चेक करने के लिए, और जो एआई जो ट्रेन होगा, एआई ज़्यादा जल्दी डिटेक्ट करेगा, एफिशिएंट होता है मोस्टली वो कोड, ज़्यादा एफिशिएंट होता है, ठीक है, क्योंकि एआई भी वो इफ एल्स ही है असल में, जो प्रोग्रामिंग का थोड़ा बहुत पता है वो असल में इफ एल्स ही है, लेकिन वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, वो लिख रहा है कंप्यूटर, वो लिख रहा है कंप्यूटर। अच्छा, तो आज से अगर 10 साल पहले ये मेरे पास प्रॉब्लम आती ये चश्मे वाली, तो या तो मैं बंदा बिठाता या तो मैं इफ एल्स लिखता। अब इफ एल्स में क्या लिखता वो मुझे भी नहीं पता कुछ ना कुछ लिखता, कुछ करता भाई, कुछ तो करना था ना, कुछ ना कुछ करके इफ एल्स लिखता, बहुत सारे इफ एल्स लिखता, एक एक पिक्सल निकालता उसमें, उसको कुछ कंपेयर करता, कुछ खिचड़ी पकाता। अच्छा, लेकिन अब अगर ये प्रॉब्लम मेरे पास आएगी एआई के ज़माने में, एआई के दौर में, तो मैं क्या करूँगा? अगर तो खुद ट्रेन कर रहा हूँ मैं, अगर तो मैं अपना मॉडल खुद ट्रेन करता हूँ, मैं बहुत सारी फ़ोटोज़ निकालूंगा, कुछ फ़ोटोज़ में चश्मा पहना होगा लोगों ने, कुछ में नहीं पहना होगा, उसकी क्लासिफिकेशन बना दूंगा, ठीक है, और 2-4 million फ़ोटोज़ उसको दूंगा तो वो ट्रेन हो जाएगा, सही है, 1 million पे भी शायद हो जाए, उसके बाद वो एक मेरे पास मॉडल ट्रेन हो जाएगा,
यानी वो जो फोटोज मैंने सारी एक कंप्यूटर को दी कि भाई आप इससे ट्रेन करो अपने आप को, तो कंप्यूटर ने क्या किया, वो इफ एल्स लिखा कंप्यूटर ने, जो मैंने लिखना था ना वो कंप्यूटर ने लिखा है। अच्छा, वो ट्रेनिंग हो गई, सब कुछ हो गया, वो इफ एल्स का जो मॉडल था ना वो मेरे पास आ गया, एक ब्लैक बॉक्स आ गया, एक मेरे पास ऐसी मशीन आ गई जिसमें मैं एक तरफ से अब फोटो डालूंगा ना नहीं, तो दूसरी तरफ से वो मुझे यस नो में जवाब देगा कि इसने ग्लासेस लगाए हुए कि नहीं लगाए हुए। ठीक है, इसको मशीन लर्निंग के नाम से भी जानते हैं। अब वो मशीन लर्निंग में मुख्तलिफ अप्रोचेज हैं, उसमें अब एक जेनेटिक एल्गोरिथम था बड़े ज़माने पहले यूज़ करते थे, फिर वो न्यूरल नेटवर्क्स आ गए बीच में, उसके ज़रिए भी वो ट्रेन करने लगे, तो फिर वो लेयर में होती थी उसकी ट्रेनिंग, और अब जो है उसकी जगह पे ट्रांसफॉर्मर्स आ गए, तो बिल्कुल न्यू चीज़ है वो। ठीक है, तो ये मैं खुद कर रहा हूँ उस सूरत में। अच्छा, अब यही काम किसी ने करके रखा हुआ है, मेरे करने में प्रॉब्लम क्या है? अब ये भी तो सवाल है ना, मेरे करने में क्या क्या प्रॉब्लम है एग्जैक्टली पता भी होना चाहिए आपको। पहली बात तो ये, जैसे मैंने वो एक ओरिएंटेशन में एग्जांपल दी थी कि एक बच्चा बोलना कितने दिन में सीखता है, एक साल में, एक साल में 24 घंटे सुन रहे हैं वो, कितने आवर बन जाते हैं एक साल के, पता नहीं कितने, 24,000 उसी वक्त कैलकुलेट किया था हमने। ठीक है, करते हैं ना, अभी हम चेक करते हैं, हाउ मैनी आवर्स इन अ ईयर। ठीक है, 8,000 आवर्स हैं ये, 24 घंटे सुन रहा होता है बंदा, सोते हुए भी सुन रहा होता है, हमने एक एग्जांपल भी देखी थी। ठीक है, और बच्चा अपनी पैदाइश से पहले भी सुन रहा होता है, जब वो माँ के पेट में होता है तो वो सुन रहा होता है, सब कुछ सुन रहा होता है। ठीक है, बाकायदा वो एक ज़िंदगी है और ये मेडिकली प्रूफ भी है। ठीक है, वो मूव भी करता है, बहुत कुछ होता है, मतलब एक पूरी दुनिया अगर आप वो स्टडी करेंगे तो माइंड ब्लोइंग है वो। हो सकता है जो है ना आपको ऐसी ऐसी चीज़ें पता चलें कि आपका शायद जहन भी ना गया होगा, तो बाकायदा वहाँ पर भी सुन रहा होता है बंदा। ठीक है, तो ट्रेनिंग उसी वक्त से शुरू हो जाती है। तो 8,000 आवर एक ऐसे बीइंग को ट्रेन करने के लिए आपको चाहिए जो सबसे इंटेलिजेंट है इस प्लेनेट अर्थ पे। ह्यूमन आर द मोस्ट इंटेलिजेंट, उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट आज तक कोई दरियाफ्त नहीं हुई चीज़, उसको लग रहा है 8,000 आवर्स। तो आप कंप्यूटर जो है वो तो डंप होता है, इंसान जितना इंटेलिजेंट तो नहीं है। तो कंप्यूटर में एक तो आपको चाहिए रिसोर्स, कि वो डेटा पहले चाहिए आपको, 1,000,000 रिकॉर्ड्स, ऐसी फ़ोटो जिसमें एक में चश्मा हो एक में नहीं हो, फिर उसके बाद आपको कंप्यूटर्स चाहिए। अच्छा, ट्रेनिंग का जो प्रोसेस है ना वो भी बड़ा कठिन है, ऐसा नहीं होगा कि आपने फ़ोटो दी और पहली दफ़ा में वो ट्रेन हो गया। आप पहले कुछ ट्यूनिंग करेंगे, कुछ पैरामीटर सेट करेंगे, फिर आप ट्रेन करेंगे, फिर आप रिज़ल्ट देखेंगे, अच्छा क्या रिज़ल्ट आया, फिर उस रिज़ल्ट के बेस पे आप अपनी ट्यूनिंग को चेंज करेंगे, फिर ट्रेन करेंगे। तो वो अल्टीमेटली 4-5 दफ़ा में जाके, अगर आप लकी रहे तो 4-5 दफ़ा में जाके आपको 80% तक की एक्यूरेसी मिल जाती है, आप कहते हैं बस हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, और अगर आप अनलकी रहे तो आपको शायद 30-40 दफ़ा भी करना पड़ेगा प्रोसेस। ठीक है, अच्छा, फिर वो मशीन चाहिए आपको, हार्डवेयर जिसके ऊपर आप रन करेंगे, 1,000,000 रिकॉर्ड्स का ज़ाहिर है साइज़ भी बड़ा होगा, अब इतनी बड़ी हार्ड ड्राइव कहाँ से लाएंगे आप जो उस डेटा को पकड़े और दे कंप्यूटर को एक एक करके। फिर वो हार्ड ड्राइव में भी इशू ये होता है कि आई ऑपरेशन पर सेकंड का प्रॉब्लम है, आपका प्रोसेसर अगर तेज़ है ना तो आपको हार्ड ड्राइव एक नहीं चाहिए, फिर अलग अलग चाहिए ताकि वो ऑपरेशन पर सेकंड आपका बढ़े। सिंगल SSD में आप ये काम नहीं कर सकते, आपको कम से कम अगर 10 TB का डेटा है ना तो आपको 500-500 GB की 20-25 हार्ड ड्राइव चाहिए होंगी ताकि उसमें डिवाइड हो जाए डेटा और उसको एक एक करके मिले। फिर उसके फ्रेमवर्क्स अलग हैं कि अगर डेटा 20 अगर हार्ड ड्राइव है उसमें डेटा है तो कलेक्टिवली वो हडूप का एक फ्रेमवर्क है वो कहलाता है जो आप जिक्र भी हो रहा था ओरिएंटेशन में, तो वो भी आपको चाहिए। फिर आपको मशीन भी चाहिए पावरफुल इनफ, फिर इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा। इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना आता है आमतौर पर आजकल डोमेस्टिक यूज़ में आता है इतना, किसी यहाँ का बिल जो है ना शायद 5 लाख रुपये आता है यहाँ का बिल। ये जो सामने जितने रूम है बस यही है सामने, और कुछ नहीं है, एसी वैसी चलते हैं, बस यही है। तो ये बिल आ गया। अच्छा, फिर उसके बाद जाके आपके पास, अच्छा फिर ह्यूमन भी एक चाहिए, सॉफ्टवेयर डेवलपर, एक AI का एक्सपर्ट भी चाहिए आपको जो उसको इस सारे प्रोसेस को कर रहा होगा। फिर एक डेटा जो आपके पास आया ना उसको क्लीन करने वाला भी चाहिए होगा, डेटा भी फ्री का नहीं है, वो भी ख़रीदना पड़ता है, तो वो उसकी भी कॉस्ट आ गई। फिर वो ट्रेनिंग एक बार हो गई, उस मशीन का क्या करेंगे आप, वो मशीन तो ज़ाया हो गई, बेकार हो गई, आप दोबारा मार्केट में सेल करेंगे आधे पैसों में बिकेगी वो, और कोई क्यों लेगा आपसे वो मशीनें, किसी के सब लोग क्लाउड में करते हैं, मशीनें कोई भी यूज़ नहीं करता। तो ये लॉस लॉस सिचुएशन है सारी, खुद से ट्रेन करना लॉस लॉस। अच्छा, तो खुद से ट्रेन करता कौन है फिर,
ये सिर्फ बड़ी कंपनीज करती हैं, ये छोटी मोटी कंपनीज जो है ना ये खुद से मॉडल ट्रेन नहीं करता यार। अनटिल एंड अनलेस एक सिचुएशन और हो सकती है कि मुझे कोई ऐसी टेक्निक पता चल गई है जो मैं बाद में पेटेंट करवा लूँगा, तो फिर मैं खुद करूँगा, अदरवाइज खुद करना बेकार है। मैं कोई ऐसी टेक्निक मुझे आ गई जो मैं थोड़े दिनों में जब वो हो गई ना सक्सेसफुल तो मैं पेटेंट करवा लूँगा, ज़िंदगी भर बैठ के खाऊँगा फिर, तो ये भी एक सिचुएशन हो सकती है, लेकिन ऐसा हज़ारों में शायद कोई एक केस होगा। तो ऊबर है, वॉलमार्ट है, ये बड़ी कंपनीज हैं, इनके लिए नॉट अ बिग डील, इनके पास अपने सर्वर के लिए इतने कंप्यूटर हैं कि उन्हीं पर ये कर रहे होते हैं, ठीक है। अमेजोन तो खैर है ही क्लाउड प्रोवाइडर, दुनिया का सबसे बड़ा क्लाउड प्रोवाइडर अमेजोन है इस वक्त, गूगल को सेकंड पे कर दिया उसने, तो इतनी सारी मशीनें हैं। फेसबुक कर रहा है अपने मॉडल ट्रेन, फेसबुक एक बहुत बड़ी कंपनी है, तो ये अपना मॉडल ट्रेन करने के ना ये सारे कॉन्स हैं। अच्छा अब इमेजिन करो ये सारा जोखिम उठा के ना किसी बंदे ने पहले ही एक मॉडल ट्रेन कर दिया है और आपको दे दिए API, और API की प्राइसिंग भी देख लो बिल्कुल ही फ्री के बराबर है। मिसाल के तौर पे गूगल ट्रांसलेट API प्राइसिंग ये आ गया। अब ये ट्रांसलेट जो होता है इसकी प्राइसिंग हम देख लेते हैं कितनी है। आपका ये कितना लिखा हुआ है, 1, 10, 100, 1000, 10,000 लाख, 5 लाख कैरेक्टर जो है ना पर मंथ आपके फ्री है पर मंथ, ठीक है। अब ये क्या इसने लिखा है, टोटल यूजर लैंग्वेज रिडक्शन टेक्स्ट, सही है ये तो फ्री है। उसके बाद $20 आपको देने पड़ते हैं पर मिलियन कैरेक्टर, $20 पर मिलियन कैरेक्टर। एक मिलियन कैरेक्टर मेरा ख्याल है शायद इतने होते हैं ना कि अगर ये 10 पिक्सल के साइज़ में लिखेंगे ना आप 1 मिलियन कैरेक्टर तो ज़मीन से चांद तक पहुंच जाएगा, इतने होते हैं 1 मिलियन कैरेक्टर, ठीक है। आमतौर पे जो एक बंदा जो है ना पूरे दिन में आमतौर पे, अभी देख लेते हैं कितने कैरेक्टर बोलता है, हाउ मैनी वर्ड्स अ ह्यूमन स्पीक इन अ डे, ठीक है 5000 वर्ड बोलता है बंदा पूरे दिन में ऑन एवरेज। अब कोई मेरे जैसा टीचर हो वो बात अलग है, टीचर थोड़ा ज़्यादा बोलते हैं, शायद मैं 5000 वर्ड 2 घंटे में बोल जाता हूँगा, और यही वजह है कि टीचर्स को वो गले वले की बीमारियाँ बहुत होती हैं, बहुत सारे जो लॉन्ग टर्म हॉवर्ड वगैरह के टीचर हैं वो गले के कैंसर से मरते हैं, जो ज़िंदगी भर उन्होंने 50-50 साल टीचिंग की होती है। तो टीचर्स वगैरह और इस तरह के जो पब्लिक स्पीकर हैं उनको हटा के जो ऑन एवरेज एक नॉर्मल बंदा होता है, ठीक है, इंट्रोवर्ट की भी बात नहीं हो रही जो पूरे दिन अंदर ही बैठा रहता है, जो नॉर्मल लोग होते हैं जो औरतें ख़वातीन होती हैं वो आमतौर पर 5000-6000 वर्ड बोलती हैं। तो अब जो 1 मिलियन का हमने देखा था ना प्राइस, 1 बिलियन है सॉरी, ये मिलियन नहीं है, ये बी फॉर बिलियन है, ये बिलियन है, ये मिलियन नहीं है। अच्छा तो अब ज़रा 1 बिलियन को ना 5000 से हम डिवाइड मारते हैं, 1 बिलियन डिवाइड बाई 5000, 200,000 मतलब 2 लाख। तो कहने का मकसद है कि 2 लाख बंदे ना अगर मिल के पूरे दिन बचर बचर करते रहे ना तो जाके 1 बिलियन होगा, और जब जाके आपके $20 चार्ज होंगे। अच्छा AI ट्रेन होने के बाद भी ना उसको चलाने के लिए भी कंप्यूटिंग पावर चाहिए होती है, जाहिर है किसी कंप्यूटर पर चल रहा होगा ना वो, कंप्यूटिंग पावर उसके लिए भी चाहिए, तो गूगल वो भी आपको इस पैसों में दे रहा है। तो 2 लाख बंदे अगर ना मिल के शुरू हो जाए पूरा दिन बोलते ही रहें चुप ना, तो वो आपका बनेगा 1 बिलियन कैरेक्टर, और सुबह से यानी 24 घंटे की बात हो रही है, ये 12 घंटे की नहीं 24 घंटे बोलता रहे तो आपके जाके $20 चार्ज होंगे, कुछ भी नहीं है। $20 एक घंटे की वेज है अमेरिका में, और पाकिस्तान में भी कितने बनते हैं अभी फ़िलहाल तो बढ़ गया रेट ना, $20 कितने बनते हैं पाकिस्तान में, 20 × 230 5000 बनते हैं। मेरा ख्याल है कि अगर इतने ज़्यादा मैसिव आपके पास ट्रैफिक आ रही है उसमें गूगल का एडसेंस भी लगाएंगे ना आप तो आपको $2000 देके जाएगा वो, ऐसा ही है ना जिन लोगों को पता है एक्सपीरियंस है, अगर गूगल का भी ऐड लगा हुआ ना पट्टी चल रही है छोटी सी वो भी $2000 देके जाएगा अगर 1 बिलियन की आपके पास ट्रैफिक आ रही है। 1 बिलियन बहुत होता है, जो यूट्यूब पे आज तक का सबसे ज़्यादा सुना जाने वाला सॉन्ग है ना वो है मेरे ख्याल पता नहीं 2 बिलियन इस तरह कुछ व्यूज़ हैं इसके, हैं YouTube पे सबसे ज़्यादा
चलने वाली वीडियो कौन सी है आज तक की, पता है? डेस्पासितो, अभी लगा लेते हैं डेस्पासितो। हाँ, 6 बिलियन नहीं, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया अभी। खैर, तो कहने का मकसद ये है कि AI एज अ सर्विस जो है ना, ऐसे पहली दफ़ा में सुनने में तो लगता है अबे यार हम इनकी API इस्तेमाल करेंगे, इनको हम पैसे भरेंगे, इनको हम पैसे भरेंगे, ये तो मसला है, पैसे भरने पड़ेंगे। लेकिन जब हम ये कैलकुलेशन करते हैं कि यही काम अगर हम खुद करते तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है, इन्होंने हमारी सारी कॉस्ट बचा दी है। अच्छा, दूसरा ये कि डेवलपमेंट पर्पसेस के लिए जो है ना, आपका 5 लाख कैरेक्टर वैसे फ्री हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इस कोर्स के दौरान कोई भी ना ये कैरेक्टर ख़त्म कर सकता है। मतलब अगर 5 महीने 6 महीने का कोर्स कर रहे हैं, उसमें कितने आप 10 असाइनमेंट बना लेंगे, 15 बना लेंगे, उसको यूज़ कौन करेगा? आप ही लोग कर रहे होंगे या फेसबुक पर शेयर कर देंगे, 2-4 हज़ार आपके फ्रेंड होंगे, उससे ज़्यादा तो नहीं होंगे ना। उतने लोग मिलके इसको ख़त्म नहीं कर सकते 5 लाख कैरेक्टर को। तो ये डेवलपमेंट पर्पसेस के लिए तो वैसे ही फ्री है। जब ये प्रोडक्शन में जाएगा, 5 लाख से ज़्यादा जब यूज़ होगा तब पैसे बनेंगे आपके। तो ये मैंने एक एग्जांपल दिखाई है आपको किसकी, ट्रांसलेशन की API, और ऑलमोस्ट सारे वैसे ही हैं। ठीक है, गूगल स्पीच API जो है, स्पीच रिकग्निशन वाला, उसकी भी हम प्राइसिंग देखेंगे, वो भी ऐसे ही है। अच्छा, तो आई होप के आप कन्वेंस हो गए हैं इस चीज़ को लेके के अच्छा, हमने ये वाला नहीं देखा ना अभी तक, गूगल क्लाउड। हाँ, ये ट्राई फॉर फ्री है ना, गूगल ने दिया हुआ है ट्राई फॉर फ्री, अमेजोन ने भी दिया हुआ था, वो मुझे मिल रहा नहीं है अभी बारह। अबे क्या बकवास है, डेमो डेमो कहाँ है, डेमो ये रहा डेमो। अच्छा, ये रहा ट्राई फ्री API, ड्रैग इमेज हियर। अब ये मुझे कह रहा है कि अपने कंप्यूटर से ना आप एक इमेज भेजो, तो मैं अभी अपनी ना अपनी मैं अभी सेल्फी लेके उसको भेजता हूँ और मैं देखता हूँ कि ये मेरे ग्लासेस को डिटेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। अच्छा, अच्छा ये मैंने अपनी एक फ़ोटो ले ली और ये मैंने जो है ना भाई इसको भेज दिया। अपने लैपटॉप में भेज दिया इसको मैंने, सही है। अब ये फ़ोटो मैं इसको चढ़ाता हूँ इसके ऊपर, ये मैंने क्या किया इसको, ये मेरी फ़ोटो है अभी जो मैंने सेल्फ़ी ली है, इसको मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया। अब ये देखते हैं इस फ़ोटो के बारे में क्या क्या बताता है। ये ग्लासेस डिटेक्ट कर लेगा, इसके लिए कोई मसले की बात ही नहीं है। अब ये प्रोसेस हो रहा है, ये आई एम नॉट अ रोबोट शायद लगाना पड़ेगा, उसके बाद होगा ये प्रोसेस, ऐसा था क्या? अच्छा, ये आ गया मेरे पास रिजल्ट। देखो इसने मुझे क्या बता दिया, जॉय, मेरे जो जॉय का मीटर है ना वो 2 पे है, यानी मैं खुश हूँ इस वक्त इस फोटो के अंदर। अच्छा, सौरव जो है वो कम है, सौरव नहीं है, ठीक है, सौरव का मतलब गमगीन या एंगर। अगर मैं गुस्से में होता ना तो ये आगे तक पहुंच जाता कि ये बंदा गुस्से में, ठीक है। एक्सपोजर ब्लर्ड, क्या ये फ़ोटो ब्लर है? ये भी बता रहा है मुझे कि ब्लर भी नहीं है, ठीक है। कॉन्फिडेंस इसको ना इस डेटा के ऊपर 54% कॉन्फिडेंस है कि ये वेरी लाइकली ये चीज़ें हैं। अच्छा, इसका अगर मैं जेसन देखूँ, ये तो मुझे इसने मीटर बना के, अरे यार ये क्या किया, वो गायब कर, दोबारा करना पड़ेगा मुझे, मैंने गलती से रिफ्रेश कर दिया पेज। अच्छा सही है, वही रिजल्ट आया अभी भी। अच्छा, ये मैं अगर इसका जेसन देखूँ ना, अब इसमें मुझे क्या क्या बात, इस जेसन को बल्कि मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और कॉपी करके ना कहीं और ले जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सही दिखता नहीं है। जेसन ब्यूटीफाई पे ले जाता हूँ मैं इसको, जेसन ब्यूटीफाई पे ना, ताकि वो मुझे अच्छे से दिखा दे। सही है, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया।
अब इस डेटा को जरा देखते हैं, इसने मुझे क्या क्या दे दिए। फेस एनोवेशंस, इसमें कहीं ना ये ग्लासेस भी बता रहा होगा। अच्छा देखो, हेड वेयर लाइकलीहुड, वेरी अनलाइकली। अच्छा लैंडमार्क के बारे में भी कुछ बता रहे हैं कि मैं इस वक्त खड़ा हुआ कहाँ हूँ। अच्छा राइट आई मेरी किस जगह पे, देखो उसकी मुझे एक्स वाई जेड की पोजीशन बता रहा है। इस फोटो के अंदर मेरी राइट आई कहाँ पर है उसकी मुझे ये पोजीशन बता रहा है, ठीक है। लेफ्ट आई, आई कहाँ पर है और आईब्रो कहाँ पर है दोनों बता रहा है। देखो राइट आई और लेफ्ट टू लेफ्ट आईब्रो, कि मेरी लेफ्ट जो आईब्रो है ना वो कहाँ से शुरू है और कहाँ ख़त्म है। अब मेरे लिए पिक्सल मैच करना भी आसान हो गया। अगर मैं इस जगह पे लगाऊँ ना कि इस जगह पे पिक्सल का कलर क्या है, तो मैं भवों का कलर आसानी से बता सकता हूँ। वो भी वैसे ये बता देगा कि भवों का कलर क्या है। अभी यहाँ पे ना क्या पहना हुआ बंदे ने वो भी बता रहा होगा ये। काफ़ी बड़ा सारा डेटा है। यार यहाँ पे भी मुझे ये दिख रहा नहीं है, इसमें मुझे कंट्रोल एफ चलाना पड़ेगा ग्लासेस, क्योंकि ये जितना बड़ा है ना, जितना बड़ा ये है ना, ये आ गया मेरे पास। देखो कंट्रोल एफ मारा ना मैंने, तो सन ग्लासेस जो है 0.84 इसने दिया है मुझे। फेशियल हेयर के बारे में ये बता रहा है, बियर्ड के बारे में बता रहा है ये, ठीक है। बियर्ड का स्कोर है 0.74, यानी 70% ये श्योर है कि इस बंदे के बियर्ड है, ठीक है। अच्छा मेरे केस में ये सनग्लासेस 0.9% बता रहा है, यानी 90% ये श्योर है कि मैंने सनग्लासेस लगाए हैं। अब यही काम मैं इसको उतार के अगर करता हूँ, अब इसके अंदर एपीआई के अंदर लिखा हुआ होगा कि अगर मुझे मज़ीद क्लासिफिकेशन ये भी चाहिए। अब ये मैंने एक दूसरी फोटो इसको निकाली है जो ग्लासेस के बगैर है। ये ग्लासेस के बगैर है और मैंने चेहरे का एक्सप्रेशन भी रैंडमली थोड़ा सा चेंज किया। अच्छा वो ज्वाय ना चला गया, मुझे ज्वाय आ रहा था ना वो चला गया, ठीक है। अच्छा ये ऊपर मुझे ये भी बता रहा है, ये ऊपर भी कुछ मुझे बता रहा है लेबल्स। ये काफी चीजें ना मुझे यहाँ पे भी बता रहा है। खैर मैं इसका जेसन निकालता हूँ और इसके जेसन के अंदर जो है यहाँ पे लाके इसको पेस्ट करता हूँ। अब कंट्रोल एक्स ग्लासेस, सन ग्लासेस अभी भी ये 0.92 बता रहा है। वेल आई एम नॉट श्योर वाई ये ऐसे बता रहा है, लेकिन कहने का मकसद ये कि जितनी चीज़ें मुझे बता रहे हैं ना, इतनी चीज़ें अगर मैं खुद ट्रेन करने लग जाऊँ। अच्छा आप इमेजिन करें कि इतना बड़ा, इतनी बड़ी कंपनी है, इन्होंने इतने पैसे लगाए हैं, उसके बावजूद इनके एआई में भी प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर हम ये काम करेंगे ना तो हमारे तो मसला, हम खुद ही प्रॉब्लम में आ जाएंगे, ठीक है। ठीक है। अच्छा इसमें दो सिचुएशन हो सकती हैं, या तो मुझे सन ग्लासेस देखना नहीं आ रहा, इनके डॉक्यूमेंट्स में देखना पड़ेगा कि वो सनग्लास कैसे देखते हैं, या तो ये ग्लिच मार रहा है, कुछ ग्लिच आ रहा है इसके अंदर, ठीक है। दो में से कोई एक, ज़्यादातर पॉसिबिलिटी है कि मुझे नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि सनग्लास डिटेक्ट करना इज़ नॉट अ बिग डील, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अच्छा आपको ये जो इमेज रिकग्निशन की APIs हैं, AI as a service, ये आपको ना सिर्फ
फोटो के अंदर कितने बंदे हैं, कौन कौन कितनी मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं, उसकी ऑन एवरेज एक एज क्या होगी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ रही होती हैं। बहुत बड़ा सा मुझे ये रिस्पॉन्स बना के देता है। तो ये इसमें इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें आ रही होती हैं। आप इसकी डॉक्यूमेंट्स को पढ़ेंगे ना कि जो रिस्पॉन्स है उसमें कौन से पैरामीटर का क्या मतलब है, तो आपको वो पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ पर वो क्या क्या चीज़ें आपको दे रहा है, ठीक है। और ये गूगल ने भी बनाया हुआ है, अमेजोन ने भी बनाया हुआ है, IBM ने भी एक दी हुई है अपनी API, तो सब लोगों ने दी हुई है। अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम शुरू करते हैं अपना फंडामेंटल। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे बना दी एक अदर न्यू रिपॉजिटरी। इस रिपॉजिटरी का नाम मैंने रख दिया AI चैटबॉट टू बी एक्चुअली और टू ए, सही है। आपका जो बैज है वो टू है आपका ना, सही है। आपका जो बैज है वो टू है और एक सेक्शन और भी है जो संडे को होता है, तो आपका सेक्शन ए बना रहा हूँ, उनको बी का नाम दे दूँगा, ठीक है। और मैंने कहा ये पब्लिक होगी रिपॉजिटरी, इसमें रेडमी एक लगा दो और क्रिएट रिपॉजिटरी, ठीक है। ये वो रिपॉजिटरी है जिसमें आपका जितना भी मैं क्लास में कोड लिखूंगा वो यहाँ पे पुश करूँगा, ठीक है। अच्छा, इसको मैंने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया, और कॉपी करके इसको मैं अपने डेस्कटॉप पे क्लोन कर लेता हूँ। गेट स्पेस, सॉरी गेट स्पेस क्लोन था ना, गेट क्लोन, और वो URL पेस्ट कर दिया हूँ। इससे क्या हुआ, ये यहाँ पे आ गया मेरे पास। अब मैंने कहा CD करके मैं उस फोल्डर के अंदर जा रहा हूँ। मैंने कहा भाई AI AI चैटबॉट, अच्छा क्या मैंने रखा था नाम उसका, सैलानी AI ना, CD कर दिया मैंने। इसके अंदर चला गया मैं इस रिपॉजिटरी के, और मैंने कोड स्पेस डॉट लिखा है। ये कमांड देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, कोड स्पेस डॉट, इसका मतलब क्या होता है कि जिस फोल्डर में इस वक्त मैं खड़ा हूँ इसको VS कोड में ओपन करो, ठीक है। ये लिनक्स, मैक और विंडोज तीनों पे ये कमांड इसी तरह चलती है। अच्छा, ये कोड स्पेस डॉट लिख के मैं इस टर्मिनल को क्लोज कर देता हूँ। अब आप देखें जो फोल्डर मैंने ओपन किया था ना, वो फोल्डर का नाम यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, ठीक है। अच्छा, जो लोग कल की क्लास में मौजूद नहीं थे, ये हमने इंस्टॉल ना कल किया था कोड एडिटर, तो वो यूट्यूब पे ना जो कल वाली क्लास की रिकॉर्डिंग है वो प्लीज़ आप देख लीजिएगा, तो आपको ये सब चीज़ें मेक सेंस हो जाएंगी। हमने GitHub को इस्तेमाल करना सीखा था असल में कल, कल पहली क्लास थी, बहुत थोड़ा सा हमने काम किया था कल, GitHub को इस्तेमाल करना सीखा था, एक रिपॉजिटरी बना के क्लोन करके चेंजेस करके वापस भेजना सीखा था, और ये कोड एडिटर भी हमने उसी के दौरान इंस्टॉल किया था, ठीक है। ये जो VS कोड का कोड एडिटर है इसका, ये जस्ट एक टेक्स्ट एडिटर है। अच्छा, अगर आपका कोई दूसरा टेक्स्ट एडिटर फेवरेट है तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप यही इस्तेमाल करें। लेकिन हम ये क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इस वक्त डेवलपर कम्युनिटी जो है ख़ासतौर पर JavaScript उसमें सबसे फेमस ये टेक्स्ट एडिटर है, ठीक है। इसके अलावा नोटपैड प्लस प्लस है और पता नहीं और दो चार हैं, तो एक वेब स्ट्रॉन्ग करके है वो भी बड़ा यूज़ करते हैं लोग, लेकिन ये सबसे लाइट वेट है और सबसे फेमस है ये इस वक्त, तो इसलिए हम इस क्लास में भी यही वाला इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आके मैं बनाता हूँ क्लास वन डॉट हिस्ट्री। हम क्योंकि अभी थोड़ी सी प्रोग्रामिंग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, बल्कि इसको मैं नाम दे देता हूँ हेलो वर्ल्ड का हिस्ट्री में। हाँ, सीडी के बाद उस फोल्डर का नाम, बस दो तीन कैरेक्टर लिख के टैप दबाओगे तो आ जाएगा।
अच्छा हेलो वर्ल्ड, अच्छा हेलो वर्ल्ड करते हैं, फिर हम एक कहानी सुनते हैं, फिर आज की क्लास हम खत्म करेंगे। टाइम है ना हमारे पास? हाँ टाइम है। अच्छा जावास्क्रिप्ट को चलाने के ना दो तरीके हैं। हम जावास्क्रिप्ट का फंडामेंटल स्टार्ट करने जा रहे हैं। जावास्क्रिप्ट को चलाने के दो तरीके हैं। नंबर एक तरीका ब्राउजर के अंदर, जो वेब ब्राउजर है उसके अंदर। अच्छा उसके अंदर जब जावास्क्रिप्ट चलती है तो वो HTML के साथ मिलके चलती है, ठीक है। अच्छा HTML के साथ जावास्क्रिप्ट जो है तो वेब एप्लीकेशन पूरी उसी पर ही चल रही होती है ज़्यादातर, ठीक है। वेब एप्लीकेशन जितनी भी हम इस्तेमाल करते हैं, वेबसाइट्स जितनी भी ओपन करते हैं, वो जावास्क्रिप्ट पे बनी हुई होती है और वो HTML के साथ मिल के चल रही होती है, ठीक है। तो नंबर एक तरीका तो ये हो गया। नंबर दो तरीका जावास्क्रिप्ट को टर्मिनल पे रन करने का जो तरीका है, उसके लिए उसको HTML वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जावास्क्रिप्ट इटसेल्फ चलती है, Node.js के साथ मिल के चलती है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट को टर्मिनल पे रन करने के लिए आपकी मशीन में Node.js इंस्टॉल होनी चाहिए। अच्छा तो हम क्या करते हैं, हम फंडामेंटल जो पढ़ रहे हैं ना, हम दो चीज़ें हमारे पास, एक तो फंडामेंटल पढ़ेंगे फिर हम सर्वर बनाना सीखेंगे। तो जो हम फंडामेंटल पढ़ रहे हैं उसमें हम जावास्क्रिप्ट चलाएंगे पहले तरीके से ब्राउज़र में HTML के साथ, ये हो गया, ठीक है। नंबर दो, जब हम सर्वर पे मूव करेंगे ना तो फिर हम ब्राउज़र पे नहीं चलाएंगे, उसी जावास्क्रिप्ट को हम टर्मिनल पे रन किया करेंगे, ठीक है। अच्छा तो हम सबसे पहले हेलो वर्ल्ड कर लेते हैं, उसके बाद हम कहानी सुनते हैं कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और ये वेबसाइट और ये इनका चक्कर आया कैसे और ये कैसे बना। हाँ नहीं, Node.js अभी उसको भूल जाओ, जब हम सर्वर बनाएंगे ना फिर हम देखेंगे Node.js क्या होता है। अभी हम वो जैसे मैंने बताया है कि हम Node.js अभी कर नहीं रहे, लेकिन वो जब करेंगे तो हम डिटेल में सारी चीज़ें देखेंगे। अच्छा यहाँ पे हम आए index.html, मैंने फाइल एक बनाई उसका नाम क्या रखा, index.html। अच्छा इस फाइल का नाम index.html एग्जैक्टली इसी तरह होना ज़रूरी है। अब क्यों ज़रूरी है वो हमें एक दो क्लासों में पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल आप ये समझ लें कि इसका नाम index.html होना ज़रूरी है, इस फाइल का नाम, ठीक है। अच्छा इंडेक्स का भी आई स्मॉल लेटर का, ये पूरा स्मॉल में होना ज़रूरी है, कैपिटल भी नहीं कर सकते आप इसको, एग्जैक्टली इसका नाम यही होना चाहिए। तो मैंने एक फोल्डर बनाया है हेलो वर्ल्ड, ये मेरा एक प्रोजेक्ट है हेलो वर्ल्ड प्रोजेक्ट, इसके अंदर मैंने एक फाइल बनाई है index.html, ये मैंने एक फाइल बना दी। अच्छा अब इसके अंदर मुझे थोड़ा सा HTML लिखना है क्योंकि जावास्क्रिप्ट HTML के साथ मिलके चलती है, उसके बाद फिर छोटी सी जावास्क्रिप्ट मैंने लिखनी है। अच्छा ये मैंने क्या किया, मैंने उसको साइड बार को बंद कर दिया ताकि पूरी स्क्रीन आपके सामने आ जाए। मैंने एक्सक्लेमिनेशन मार्क लगाया तो ये ना सजेशन आ गई मेरे पास, ये जो पहला वाला है ना ये। अच्छा मैं एंटर भी प्रेस कर सकता हूँ, मैं टैब का बटन दबाऊँगा तो भी हो जाता है, ये आपके कीबोर्ड पे जो टैब का बटन है। तो ये एक बेसिक HTML ना लिख कर आ गया, ये फीचर मुझे किसने दिया, नमाज क्या कह रहे हो, अच्छा हो गई ये बात, अच्छा मैं दो मिनट में भेजता हूँ। ये जो मुझे दिया है ना शॉर्टकट, ये VS कोड ने मुझे दिया, ठीक है। अच्छा कोई और टेक्स्ट एडिटर होता तो शायद उसके अंदर कोई मुख्तलिफ होता शॉर्टकट, हो सकता है नहीं भी होता, तो VS कोड में हमारे लिए शॉर्टकट मौजूद है। अच्छा इसके अंदर मैंने क्या लिखा, इसके अंदर मैंने लिखा H1 और ये देखो नीचे सजेशन आ रही है, टैब दबा दिया या एंटर भी प्रेस कर सकते हैं। मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड लिख दिया मैंने। अच्छा अभी इसमें जावास्क्रिप्ट नहीं है कुछ, अभी सिर्फ HTML हम लिख रहे हैं, अभी कोई जावास्क्रिप्ट इसके अंदर अभी तक नहीं लिखी मैंने। अच्छा इतने HTML को ना अब मुझे रन करके देखना है, चला के देखना है, कैसे चलाऊंगा मैं यहाँ पे आऊँगा, इस जगह पे जो फाइल का नाम लिखा हुआ है ना यहाँ पे आऊँगा मैं, राइट क्लिक करूँगा, कॉपी पाथ, इस फाइल का ना पाथ कॉपी हो गया और मैं ब्राउज़र में जाके नया टैब खोलूँगा, पेस्ट करूँगा, एंटर कर दूँगा, ये फाइल का एड्रेस मैंने यहाँ। अच्छा फाइल पर डबल क्लिक करके भी मैं जा सकता हूँ, मिसाल के तौर पर मैंने इसको, मैं ये मेरी वो फाइल है ना index.html, देखो ऑटोमेटिक इस पर गूगल क्रोम का लोगो बना हुआ आ रहा है क्योंकि फाइल का नाम क्या है उसके आखिर में .html का एक्सटेंशन लगा हुआ है, इसलिए इस पर गूगल क्रोम बना हुआ है। इस पर डबल क्लिक करूँगा ना तो भी बात वही है, ठीक है। डबल क्लिक करने से भी देखो ये ओपन हो गया, हमने अभी तक क्या बना लिया,
एक HTML की वेबसाइट बना ली हमने, ठीक है, एक HTML की वेबसाइट बना ली है, अब इसके ऊपर हम JavaScript लगाएंगे। अच्छा जल्दी से नमाज़ पढ़ के आ जाएं आप लोग, फिर इसके ऊपर हम JavaScript लगाते हैं, हेलो वर्ल्ड अपना कंप्लीट करते हैं, फिर हम स्टोरी सुनते हैं। ये हमने ना हेलो वर्ल्ड किसका बना लिया अभी फ़िलहाल, अभी ये HTML का हेलो वर्ल्ड बनाया हमने, अभी अभी इसमें JavaScript अभी तक मैंने लिखी नहीं है। अच्छा मैं ये सोच रहा था अभी कि क्यों ना हम JavaScript पढ़ने से पहले थोड़ी सी HTML भी पढ़ लें, ठीक है, थोड़ी सी HTML पढ़ लेते हैं। अच्छा बहुत आसान है, देखो HTML को समझने के लिए हमें स्टोरी समझनी पड़ेगी कि ये वेबसाइट का चक्कर सारा है क्या, ये वेबसाइट का स्कैम निकाला किसने, स्कैम तो खैर नहीं है मजाक से कह रहा हूँ, तो ये सारा चक्कर शुरू किसने किया और ये हुआ कैसे। देखो शुरू शुरू में ना मार्केटिंग जब होती थी, जाहिर है हर बिज़नेस को मार्केटिंग चाहिए होती है, किसी ना किसी लेवल पर वो मार्केटिंग करते हैं ताकि लोगों को पता चले कि वो क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि जब जाहिर है जब भी लोग उसके पास आएंगे। तो अब आपने कोई दुकान खोली, अभी आप 1980s में, अभी कंप्यूटर मौजूद नहीं है या उस तरह से आम नहीं हुए, तो आपके पास मार्केटिंग का क्या तरीका है, वॉल चॉकिंग, साइन बोर्ड्स, पम्फलेट, पोस्टर्स, बल्कि कुछ अर्से पहले तक भी मस्जिदों में वो पम्फलेट बट अभी भी इलेक्शन में वो बांट रहे हैं मस्जिद के बाहर खड़े हो गए ना, एक उधर खड़ा है एक उधर खड़ा है, दोनों अपने अपने पम्फलेट बांट रहे हैं, ठीक है। तो फिर जब कंप्यूटर आया और इंटरनेट आया और कॉमन होना शुरू हुआ, तो ये शॉर्ट करके बता रहा हूँ आपको बिल्कुल, तो उन्होंने बोला यार ये इसी पम्फलेट का ना एक इलेक्ट्रॉनिक वर्जन होना चाहिए, वेबसाइट, ठीक है। अच्छा अब ये क्या करने लगे, अब इन्होंने पम्फलेट तो अभी भी हैं, लेकिन उस पम्फलेट के आखिर में क्या लिखा होता है, वेबसाइट भी लिखा हुआ होता है। अब उस वेबसाइट का बेनिफिट क्या होता है, उस वेबसाइट पे ना सिर्फ आप, क्योंकि पम्फलेट पे तो ये होता है ना कि आप सिर्फ उसको पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, आप उसमें इंटरेक्ट नहीं कर सकते दोबारा उसमें कोई चीज़, मतलब मिसाल के तौर पर आपने किसी होटल का मेन्यू ले लिया एक, ठीक है, होटल का मेन्यू आमतौर पर लोग अपनी गाड़ी में बैग्स में रखते हैं, जो कॉमनली जहाँ पे जाना होता है मेन्यू रख लेते हैं, अब वो मेन्यू मिसाल के तौर पे होटल ने अपडेट कर दिया तो वो पम्फलेट में अपडेट थोड़ी होगा, वेबसाइट में ऑन अदर हैंड वो अपडेट हो जाएगा, अगर वेबसाइट में रेस्टोरेंट ने पीछे से चेंज कर दिया तो वो मेन्यू चेंज हो जाएगा। तो ये लोगों को बड़ा फैसिनेट किया है इस फैक्ट ने कि यार ये तो बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया। तो फिर उन्ही बिजनेसेस ने अपने पम्फलेट का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन बनाना शुरू किया, जिसको बाद में नाम दे दिया गया वेबसाइट का। तो ये वही इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है, इसी तरह अखबार पहले पेपर में आते थे, फिर अखबार का भी इलेक्ट्रॉनिक वर्जन आ गया, हर न्यूज़ चैनल की वेबसाइट है इस वक्त और वहाँ पे अखबार डेली आता है। गूगल न्यूज़ क्या है, गूगल न्यूज़ एक अखबार है, गूगल न्यूज़ की ऐप इंस्टॉल करते हैं वो अखबार है एक्चुअली। तो ये यहाँ से वेबसाइट की शुरुआत हुई। अच्छा जब वेबसाइट की यहाँ से शुरुआत हुई तो जाहिर है एक पम्फलेट जो होता है उसके अंदर क्या क्या कुछ होता है, हेडिंग होती है, पैराग्राफ्स होते हैं, कुछ तस्वीरें हो सकती हैं, कुछ बॉर्डर वगैरह होता है उस पर, ये वो सारे काम जाहिर है मुझे वेबसाइट में भी करना है। अब ये करें कैसे, अब आप इमेजिन कर लें कि इस वक्त हम उस प्रोसेस में हैं कि लोगों की तरफ से रिक्वायरमेंट आई है और हम ये बना रहे हैं, एक ऐसी लैंग्वेज बना रहे हैं जिसके ज़रिए मैं वो पूरा पम्फलेट इधर डिज़ाइन कर सकूँ कंप्यूटर के ऊपर। अच्छा तो आपके जहन में पहले सबसे आना चाहिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तो यही होता है कुछ भी हम लिखते हैं सेलेक्ट करते हैं, हेडिंग वन, हेडिंग वन हो गया, उसको सेलेक्ट करते हैं उसका कलर लाल कर दिया, हो गया। लेकिन मसला ये है कि जो वेबसाइट के पीछे जो चीज़ चल रही है ना उसके पीछे भी वही चल रहा है, और वो है क्या चीज़, वो है मार्कअप्स, वो क्या है मार्कअप्स। तो अगर आप ना इसके नाम पर गौर करें, जो HTML जो लिखा हुआ है ना ये, इसके नाम पे अगर गौर करो क्या लिखा हुआ है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट को तो अभी साइड पे कर दो, मार्कअप लैंग्वेज है ये। अब मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है, अच्छा मार्कअप क्या होते हैं इन द फर्स्ट प्लेस, मार्कअप किस चीज़ को कहते हैं कोई बता सकता है, अंग्रेजी में, अंग्रेजी की डिक्शनरी में मार्कअप्स का क्या मतलब होता है पता है किसी को, इंटरेस्ट भी वो भी मार्कअप होता है वो, लेकिन अलग तरह का होता है। अच्छा और ब्रेन स्ट्रोमिंग का क्वेश्चन है, सही गलत नहीं है, आप अपना ओपिनियन दें खुल के, कोई ऐसा मसला नहीं। हाईलाइट,
और अच्छा मैं भी अपना ओपिनियन देता हूँ। देखो कागज़ आपके हाथ में, बुक है कोई, आप बुक कोई नॉवेल पढ़ रहे हैं, कुछ बुक पढ़ रहे हैं। अब आपके हाथ में ना एक पेन है, आप जो आपको वर्ड मुश्किल लगता है उसको अंडरलाइन करते जा रहे हैं। याद है मैट्रिक के ज़माने में, प्राइमरी के ज़माने में ये बहुत कॉमन होता है बच्चों में कि वो बच्चों को रीड और वो मुश्किल वर्ड को अंडरलाइन करते जा रहे हैं। तो ये जो मैं पेंसिल से काम कर रहा हूँ ना, दिस इज़ मार्कअप, यह हाईलाइटर है, ये मेरे पास या पेन है या कोई भी चीज़ है जिससे मैं उसमें निशान लगाता जा रहा हूँ, तो दिस इज कॉल्ड मार्कअप। अच्छा तो मतलब मैंने किसी चीज़ को मोटा करके मार्कर से लिखा तो वो मार्कअप बनाते हैं ना, जर्नल बनाते हुए मोटा करके हेडिंग डालते हैं, फिर उसके नीचे ब्लू कलर से कुछ लिखते हैं, फिर ब्लैक कलर से कुछ लिखते हैं, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर मार्कअप। अच्छा तो ये बिल्कुल भैया, अब आप देखें ये मैंने आपके सामने जो लिखा हुआ है ना, ये H1, ये H1 एक मार्कअप है, ठीक है, और ये जिस लैंग्वेज में लिखा हुआ है ये लैंग्वेज क्या है, मार्कअप लैंग्वेज है। अच्छा मार्कअप लैंग्वेज देखो कितना आसान आइडिया है, कितना अच्छा आइडिया है कि हम एक करते हैं मार्कअप लैंग्वेज बनाते हैं, कि कोई भी लफ्ज़ लिखा हुआ होगा, कोई भी जुमला लिखा हुआ होगा, कोई भी लाइन लिखी हुई होगी, हम उस पर मार्कअप लगा देंगे। अच्छा वो मार्कअप क्या हो सकता है, उसको बोल्ड करने के लिए, उसके नीचे अंडरलाइन लगाने के लिए, उसका कलर चेंज करने के लिए, सही है, उसके टेक्स्ट के साइज़ को छोटा बड़ा और ये बॉर्डर लगाने के लिए, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए, इन सब के लिए मार्कअप्स डिवाइस कर दिए गए। ये एक मार्कअप आपके सामने मैंने लिख दिया है, ये मार्कअप है हेडिंग वन। अच्छा कैसे होगा ये मार्कअप, मैंने एक यहाँ पे जुमला लिखा, उसके शुरू में मैंने ये लिखा H1। अच्छा ये ब्रैकेट ऐसे लगानी पड़ेगी आपको, और ऐसे एक H1 को क्लोज कर दिया, क्लोजिंग में थोड़ा सा फ़र्क है, एक स्लैश है इसके अंदर, ठीक है, तो ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग, और ये मार्कअप मैंने इसको क्लोज कर दिया, इस हेलो वर्ल्ड का जो जुमला लिखा हुआ था इसको मैंने मार्कअप के दरमियान में कर दिया। अच्छा तो अब ये मार्कअप इस पर मैंने लगा दिया एक्चुअली। अच्छा या इस मार्कअप का इस पर इफेक्ट क्या आएगा, कि इसका साइज़ बड़ा हो जाएगा। अच्छा एक और मार्कअप आपके सामने मैं जिक्र करता हूँ, आसान है मार्कअप लैंग्वेज, बहुत आसान है बिल्कुल, हम इंशाल्लाह आज ये मार्कअप लैंग्वेज तो पढ़ के उठेंगे यहाँ से। I am bold, ठीक है। अब मैंने ये जुमला लिखा जिसको मैंने किस में कर दिया, एक मार्कअप है B फॉर बोल्ड। तो अब ये जुमला जो है जिसको मैंने इस मार्कअप के दरमियान में कर दिया, ये जुमला इसका इम्पैक्ट क्या होगा इस मार्कअप का, कि ये बोल्ड होकर दिखेगा। अच्छा अगर मैं यहाँ पे दिख दूंगा, अगर मैं कोई मार्कअप नहीं लगाता हूँ, ठीक है, अगर मैं कोई मार्कअप नहीं लगाता हूँ तो नंबर 3 पे मुझे क्या दिखेगा, ये बिल्कुल सादा सा नॉर्मल सा दिखेगा। इसको सेव करके ज़रा और आते हैं यहाँ पे, इसका रिजल्ट देखते हैं। रिफ्रेश किया मैंने, अच्छा एक तो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है H1 का मार्कअप, उसके बाद एक लिखा हुआ है बोल्ड का मार्कअप जो बोल्ड लोगे दिख रहा है, उसके बाद एक जो है वो बोल्ड लोगे नहीं दिख रहा, नॉर्मल दिख रहा है। तो हमने इस वक्त अभी 3 मार्कअप यहाँ पे ना डिस्कवर कर लिए हैं। अच्छा एक और कर लेते हैं जिसका नाम है आई फॉर इटैलिक। एक H1, एक बोल्ड, एक इटैलिक, आसान है, मुश्किल तो नहीं है, 3 मार्कअप हमने सीख लिए। इटैलिक से क्या होगा, ये जो लिखा हुआ है ना, ये आई एम बोल्ड सेकंड वाला, ये इटैलिक होके नजर आएगा, लिखा हुआ आई एम बोल्ड है लेकिन नजर इटैलिक होके आएगा। देखें पहले एक बोल्ड होके आ रहा है, दूसरा वाला इटैलिक होके आ रहा है। अच्छा अब हमें ये समझ में आ गया कि HTML जो है वो क्या है, वो मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप का मतलब होता है किसी भी लिखी हुई चीज़ पे कोई आप हाईलाइट कर दें, अंडरलाइन कर दें, टेक्स्ट बड़ा कर दें, छोटा कर दें, कलर चेंज कर दें, ये सब मार्कअप्स हैं, मार्कअप लैंग्वेज है ये। अब जो जो काम आप एक जर्नल बनाते हुए आप कर रहे होते हैं ना, वो सारे काम मार्कअप लैंग्वेज के जरिए आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, आसान है, ठीक है। एक पंफलेट जो बनता था पहले, वो पहले पंफलेट भी हाथ से ही बनता था बाय द वे, ये तो प्रिंटिंग व्रिंटिंग तो बहुत बाद में आई है, वो हाथ से ही लिख के ना असल में उसका प्लेट बना के उसको प्रिंटिंग प्रेस पे चलाते थे। तो वो असल में जैसे आप जर्नल बनाते हैं आजकल बायोलॉजी केमिस्ट्री का, जो अगर मैट्रिक के ज़माने में कोई आएगा तो बिल्कुल उसी तरह पंफलेट बनते थे पहले, और उसी तरह लिख के ना उसको छापा खाने में चला देते थे।
तो ये वो काम ना यहाँ पे हमारे पास करने की पावर आ गई है। अच्छा जी, आप सवाल पूछ रहे हैं कुछ? यार डेफिनेशन पूछते हैं तो समझा नहीं मैं तुम्हारी बात। हाँ यार, अब वो तो गूगल का जो क्रॉलर है ना, वो दुनिया की तमाम वेबसाइट को जा जा के विजिट करता है, वो सब डेटा इकट्ठा करके अपने पास करता है, उसको एआई के एल्गोरिथम से गुजारता है, और जब आप गूगल के सर्च पे लिखते हैं ना तो वो फिर वहाँ से रिजल्ट आता है। वो तो बिल्कुल एक डिफरेंट ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की फील्ड है, उसमें ये बातें डिस्कस होती हैं ना। तो बहरहाल वो एक एडवांस टॉपिक है, अभी तो हम बेसिक्स बिल्कुल पढ़ रहे हैं ना, हेलो वर्ल्ड। तो ये सवाल शायद मेरे पास का जवाब नहीं है कि ये कैसे होता है, और हम यहाँ पर वो कवर भी नहीं कर रहे ये चीज़ें ना। इनका सवाल असल में ये था, मैं रिपीट कर देता हूँ, ये कह रहे हैं कि अगर हम कोई बात लिखते हैं कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ प्लैनेट, तो वो गूगल क्या करता है, वो प्लैनेट की डेफिनेशन अलग से लाके मुझे दिखा देता है, और उस वेबसाइट का लिंक भी दे देता है कि फलां जगह पे वेबसाइट है। तो ये कैसे करता है गूगल, ठीक है? तो ये गूगल का क्रॉलर है, गूगल का एक पूरा सिस्टम है, वो उसके ज़रिए तमाम दुनिया की वेबसाइट को विजिट करता रहता है, उसमें कहाँ पर डेफिनेशन है, कहाँ पर क्या है, उसको क्लासीफाई करके और अपने पास बड़े अच्छे से करके रखते हैं। तो ये हम इसको कवर नहीं कर रहे इस क्लास में कि वो कैसे करता है ये। अच्छा, तीन मार्कअप हमने पढ़ लिए। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि यार ये हाइपर टेक्स्ट का क्या चक्कर है। मार्कअप लैंग्वेज तो समझ में आ गया, हाइपर टेक्स्ट का क्या चक्कर है? हाइपर टेक्स्ट का चक्कर ये है कि जो टेक्स्ट होगा ना, टेक्स्ट उसको जब छुएंगे ना तो वो रिएक्ट करेगा। जी, PHP एक फ्रेमवर्क है, सर्वर लिखे जाते हैं उसमें, लेकिन हम वो उसी का जो अल्टरनेटिव है Node.js, हम वो इस्तेमाल करेंगे। Node.js इज़ अ लेटेस्ट फ्रेमवर्क, PHP थोड़ा सा पुराना है, तो हम पढ़ेंगे सर्वर बनाना, लेकिन हम Node.js के साथ पढ़ेंगे PHP के साथ। अच्छा, तो हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या है कि ये टेक्स्ट जो हम लिख रहे हैं ना सारा, भाई जर्नल आपने एक बनाया, उसमें मोटी करके हेडिंग डाल दी, ब्लू ब्लैक मार्कर यूज़ कर लिया, उसको आप छूते हैं तो वो टेक्स्ट कुछ उछल कूद करता है, कुछ बोलता है, नहीं बोलता। लेकिन इसमें ये हाइपर टेक्स्ट होगा, इसमें जब आप किसी मार्कअप को छुएंगे ना तो वो क्या करेगा, वो रिएक्ट करेगा। अच्छा, वो रिएक्ट क्या हो सकता है? वो ये हो सकता है कि उस बटन के क्लिक होने पे आपको वो दूसरे पेज पे ले जाए, ठीक है, ये हो सकता है। या उस बटन के क्लिक पे जब आप क्लिक करें तो वो कोई फाइल इनपुट आपसे ले, वो कुछ ना कुछ करेगा मतलब। तो दिस इज़ हाइपर टेक्स्ट, ठीक है? तो ये मार्कअप लैंग्वेज है, और इसमें जो एक एक मार्कअप है वो हाइपर भी है। अच्छा, तो हम एक लगाते हैं इसके अंदर, मिसाल के तौर पर मैंने कहा एंकर टैग ए, सही है? ये एंकर जो है ये भी एक मार्कअप है, लेकिन इस मार्कअप का काम क्या है? इस मार्कअप का काम ये है https://google.com, ठीक है? और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, गो टू गूगल, सही है, गो टू गूगल कर दिया। अब इसका रिजल्ट मैं देखता हूँ क्या आता है। ये भी एक मैंने मार्कअप लिखा, अभी हमने ये चौथा मार्कअप सीखा है, एंकर टैग। एंकर टैग कैसे लगता है? अभी अभी भाई इतना तो सीखो पहले। देखो, अब ये जो टेक्स्ट है ना, अब ये हाइपर है, इसको जब मैं टच करूँगा ना तो देखो क्या होता है, ये कुछ रिएक्ट किया इसने, मुझे दूसरी वेबसाइट पे ले गया ये, मुझे दूसरी वेबसाइट पे ले गया ये, ठीक है, मैं बैक कर लेता हूँ, वापस अपनी वेबसाइट पे आ जाता हूँ। अच्छा, तो ये हाइपर टेक्स्ट है। अच्छा, इसको ना मैं चाह रहा हूँ कि अलग अलग लाइनों में हो जाए, उसके लिए भी एक मार्कअप है, उसके लिए मार्कअप है BR, ठीक है? मैं चाहता हूँ कि हर लाइन के बाद ना एक लाइन ब्रेक आ जाए, सही है? BR का मतलब क्या है? लाइन ब्रेक। ये सब एक ही लाइन में आ रहा है, मैं चाहता हूँ एक लाइन में सब कुछ ना आए, तो मैंने ब्रेक लगा लिया लाइन में, ठीक है? इसका इम्पैक्ट क्या आया, लाइन ब्रेक का जो मार्कअप था उसका इम्पैक्ट क्या था कि वो लाइन को चेंज कर देता है, उस लाइन को कंटिन्यू नहीं होने देता। अब हमने पूरी HTML पढ़ ली, सही है, हमने पूरी HTML पढ़ ली, HTML इतनी ही है। अच्छा, अब HTML में जो हमने नहीं पढ़ा है वो क्या नहीं पढ़ा हमने, अब ये करना है, अब कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी वेबसाइट होगी दुनिया में, या कोई ना कोई ऐसी बुक होगी जहाँ पे तमाम पॉसिबल मार्कअप्स की एक लिस्ट बनी हुई होगी, ऐसा ही है ना? अब वो हमें ये देखना है कि कौन से काम के लिए कौन सा मार्कअप है, उसको इस्तेमाल करना है, वो इस तरह आपको रिजल्ट शो कर देगा। तो बस HTML में और है क्या, और इसके अंदर और कुछ भी नहीं है।
HTML के अंदर सीखने वाली जितनी चीज़ थी वो हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें कोई ऐसी जगह तलाश करनी है। अब जैसे था ना, मुझे पता था H1 से हेडिंग बनती है, ठीक है, मुझे पता था कि I से इटैलिक होता है, मुझे पता था BR से लाइन ब्रेक होता है। अब मिसाल के तौर पर पैराग्राफ बनाना है अगर मुझे, तो उसके लिए कौन सा टैग होगा, मुझे नहीं पता। P होता है, बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन अगर मिसाल के तौर पर नहीं पता तो मुझे कैसे पता चलेगा। तो मुझे कोई ऐसी जगह अब तलाश करनी है जहाँ पर ये तमाम मार्कअप्स की ना एक लिस्ट बनी हुई हो, और हर उस मार्कअप के आगे ये लिखा हो कि ये मार्कअप काम क्या करता है। तो मेरा मसला हल हो गया, HTML में और कुछ बचा? कुछ भी नहीं बचा। तो ये हमने HTML तमाम पूरी की पूरी पढ़ लिया। अभी मैं बताता हूँ, ठीक है। और एक छोटा सा फिर असाइनमेंट भी है, हमने ये देखा था शुरू में ही, हमने डिस्कस कर लिया था कि जब भी हम कोई एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे तो हम क्या करेंगे, उसका हम असाइनमेंट बनाएंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, उसकी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। और जब वो एक्सरसाइज आप कर लेंगे, जब वो असाइनमेंट आप बना लेंगे, तो उसकी हम फिर करेंगे मार्केटिंग। सही है। तो मैं आपको जल्दी से एक वेबसाइट दिखाता हूँ जहाँ पे तमाम मार्कअप्स की एक लिस्ट बनी हुई है, और उसके बाद वो असाइनमेंट इंशाल्लाह फिर आप कल करके लाएंगे HTML के अंदर, HTML पे आप वो करके लाएंगे, ठीक है। अच्छा, मैंने गूगल पे जाके लिखा लिस्ट ऑफ ऑल मार्कअप्स, तो ये W3 स्कूल का मेरे पास ना सबसे पहला लिंक आ गया। अब आप देखें, ये ना जितने भी इसके अंदर मार्कअप्स हैं ना, उन सब की यहाँ पे लिस्ट बनी हुई है। सही, उन सब की यहाँ पे लिस्ट बनी हुई है। अच्छा, जैसे हमने जो यूज़ कर लिया है पहले से, ज़रा वो देख लेते हैं वो इस लिस्ट में क्या कहाँ पर मौजूद है। मिसाल के तौर पर हमने क्या किया था, हेडिंग Ctrl+F किया मैंने, HEADING हेडिंग। अच्छा, इन्होंने देखें क्या लिखा है, H1 to H6 डिफाइन HTML हेडिंग्स। मैंने तो सिर्फ H1 लगाया था ना, यहाँ हमें पता चला कि H1 से लेके H6 तक है, H2 भी है, H3। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर मुझे ये भी नहीं पता चल रहा कि H2 को चलाएंगे कैसे, H1 तो चला के देख लिया ना, H2 को चलाएंगे कैसे। वो इसके अंदर गया, मैं क्लिक किया, और क्लिक करते ही मुझे ये देखें, इसने पूरा ना पूरा मुझे चला के बता दिया, ठीक है, कि H1 ऐसे चलेगा, H2 ऐसे चलेगा, H3 ऐसे चलेगा। तो हो गया ना मसला मेरा हल, कुछ नहीं बचा अब तो। अच्छा, और देखते हैं ज़रा, ये मैं लिंक आपको भेज रहा हूँ ना, ये लिंक मैं आपको भेज रहा हूँ, ये लिंक आ गया आपका, ये तमाम मार्कअप्स की एक लिस्ट है। अच्छा, ये मैं कहाँ भेज रहा हूँ आपको, air.sysbor, और यहाँ पे आपका क्या है, AI, आपकी क्लास आईडी है AI। ये सब लोगों को इसका एक्सेस है होपफुली, लास्ट में हमने देख लिया था, जिन लोगों को नहीं है वो उनको मैं बताता चलूँ। ये URL आपने लिखना है air.sysbor.com, ये एक वेबसाइट है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे क्लास में कोई लिंक वगैरह आपसे लेना होता है या मुझे आपको देना होता है, तो उसके लिए क्लास आईडी आपने यहाँ पे लिखनी है AI, ठीक है। ये टेम्प्रोरी है, कोई परमानेंट नहीं है, यहाँ से डिलीट भी हो जाता है जो चीज़ें यहाँ पे मैंने शेयर की हुई हैं, ये डिलीट का बटन करूँगा डिलीट भी हो जाएगा। तो ये टेम्प्रोरी है जस्ट लिंक को शेयर करने के लिए, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे लिंक आपको शेयर भी कर दिया, कोई आप में से इसको ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। तो ये तमाम मार्कअप्स की लिस्ट आ गई। अच्छा, अब मैंने Ctrl+F किया, इसमें मुझे हेडिंग चाहिए ना, मैं हेडिंग पे चला गया। अब ये आप देख रहे हैं, ये हेडिंग पे जब मैं हाथ रखता हूँ तो ये मुझे बता रहा है कि इसको टच करने से कुछ होगा, ये मुझे देखो इंडिकेट कर रहा है। तो मैंने जब टच किया ना, तो ये अंदर एग्जांपल आ गई। सही है। अच्छा, इसी तरीके से अब मुझे और क्या करना है, अच्छा आपका असाइनमेंट भी बता देता हूँ। असाइनमेंट आपको क्या करना है, HTML के ऊपर अपनी CV बनानी है। CV बनाते हो ना सब लोग, MS Word पे, Microsoft Word पे CV सब लोगों ने बनाई होगी, मुझे पता है मैट्रिक के बाद ये प्रोसेस शुरू हो जाता है। अच्छा, तो वही CV आपने HTML पे बनानी है, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, CV में क्या क्या होते हैं, हेडिंग वो तो हम देख ही चुके हैं, बुलेट पॉइंट होते हैं, ठीक है, यानी लिस्ट होता है। Ctrl+F किया मैंने, कहा लिस्ट, LIST लिस्ट, वो इमेज से लिख सकते हैं हेडिंग को। सबके मार्कअप यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। आप सारे मार्कअप को अगर स्टडी कर लेते हैं एक दिन निकाल के, ये 2 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेंगे इसमें,
अगर ये सारे मार्कअप्स को आप एक एक करके स्टडी कर लें तो 2 घंटे का काम है ये। तो ये सब सेंटर में कैसे होगा आगे पीछे सब आपको पता चल जाएगा। अच्छा तो पहले तो हम देखते हैं लिस्ट। अच्छा लिस्ट के लिए कौन सा टैग इस्तेमाल होता है? UL। हाँ अरे यार UL इसमें लिस्ट असल में और भी हैं। हाँ फोर्थ लास्ट है ये। अब ये UL के अंदर जाओगे तो पता चलेगा ना कि UL को इस्तेमाल कैसे करते हैं। यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ, यही तो बताना चाह रहा हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपको देखने वाली हैं फिलहाल के लिए। अच्छा लिस्ट ना एक होती है अनऑर्डर्ड। अनऑर्डर्ड में क्या होता है? बुलेट्स बने हुए आ रहे होते हैं। एक होती है ऑर्डर्ड लिस्ट जिसमें 1 2 3 4 होता है, ऐसा ही होता है ना। तो CV में दोनों इस्तेमाल होती है, अनऑर्डर्ड भी होती है ऑर्डर्ड भी। अब देखो ये UL इस्तेमाल होती है किसके लिए? बुलेट पॉइंट्स वाली जो लिस्ट होती है उसके लिए इस्तेमाल होती है। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है? इस पर क्लिक कर दिया मैंने और क्लिक करके मैं ये अंदर चला गया। देख रहे हो यहाँ पे एग्जांपल बनाकर बताई हुई है उन्होंने, ठीक है। और एग्जांपल के ऊपर देखो ट्राई इट योर सेल्फ भी है। मैं क्लिक करूँगा ना तो इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। जो ये मार्कअप इतना लिखा हुआ है उसका जो रिजल्ट है वो ये इतना आ रहा है बुलेट पॉइंट्स वाले, ठीक है। तो लिस्ट के लिए मैंने ये बता दिया UL इस्तेमाल होता है। और क्या इस्तेमाल होता है CV में? OL ऑर्डर्ड लिस्ट। OL जो है ना वो ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा कोई भी चीज़ मुझे सर्च करनी पड़ रही है तो वो ऐसे करके करनी पड़ेगी। ये आ गया OL, ठीक है। डिफाइंस एन ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब है कि 1 2 3 4 करके जो लिस्ट आती है ना वो वाली OL है। OL को कैसे इस्तेमाल करते हैं? नहीं पता मुझे, क्लिक कर दिया इसके ऊपर। ये ऐसे इस्तेमाल होता है, ठीक है। ट्राई इट योर सेल्फ पे गया, ये जो इतना कोड लिखा हुआ है यहाँ पे उसका रिजल्ट ये है यहाँ पे, सही है। ये तमाम मार्कअप्स आपके आ गए। अच्छा और CV में क्या इस्तेमाल होता है? हाँ इमेज, ठीक है। उसके लिए जो है क्यों नहीं काम करती यार, दुनिया में इतनी सारी वेबसाइट्स हैं उस पर इमेज लगी भी है ना, ठीक है। यहाँ से देख के उसको ट्राई करना, फिर नहीं हो तो मुझे बताना। अच्छा देखो अब मैंने इमेज लिखा ना तो मेरे पास 4 रिजल्ट्स आए हैं। ये IMG का जो टैग है ना ये क्या करता है? डिफाइंस एन इमेज। ये क्या करता है? इमेज को डिफाइन करता है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता IMG के टैग को इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसके अंदर चला गया मैं, ठीक है। ऐसे इस्तेमाल होगा IMG, उसके बाद SRC करके ना आपको वो इमेज का नाम बताना होगा। आपके फोल्डर में ही होगी इमेज ज़ाहिर है, उसको आपको नाम बताना होगा। ये मैं चला के भी दिखा देता हूँ अपने पास ना, ठीक है। एक अल्टरनेट करके इसमें भी आप टेक्स्ट डाल सकते हैं। अब ये अल्टरनेट क्या चीज़ है आपको कैसे पता चलेगा? ALT यहाँ पे नीचे इन्होंने ये सब बताया हुआ है, ठीक है। ये देखो यहाँ बताया हुआ है कि ALT क्या चीज़ है। ALT के अंदर आपको एक टेक्स्ट देना है, स्पेसिफाई अल्टरनेट टेक्स्ट फॉर एन इमेज। अल्टरनेट का मतलब है कि अगर कभी इमेज लोड नहीं हो सकी तो ये टेक्स्ट नज़र आएगा उसकी जगह, ठीक है। ये अल्टरनेट हो गया। अच्छा इसी तरीके से अब देखो और क्या है इसके अंदर, जो ये SRC है। अब ये SRC के आगे जो नाम लिखा हुआ है क्या पता मुझे कि क्या चीज़ है ये, तो नीचे इन्होंने ये भी डिफाइन किया हुआ है। ये देख रहे हो SRC कह रहे हैं कि SRC के अगेंस्ट आपने एक URL देना है, ठीक है। और ये क्या करता है? स्पेसिफाई द पाथ ऑफ द इमेज, क्या इमेज रखी हुई कहाँ पर है वो पाथ आपने देना है, वो URL आपने देना है, या उस इमेज का नाम भी हो सकता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या चीज़ है? इसकी विड्थ और हाइट, ये तो नाम से ही जाहिर है कि भाई इसकी विड्थ कितने पिक्सल होनी चाहिए और हाइट कितने पिक्सल होनी चाहिए वो आप यहाँ देंगे, ठीक है। अच्छा ये इमेज का टैग मैं यहाँ से एग्जैक्टली ऐसे ही कॉपी कर लेता हूँ जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको उठा के मैं अपने कोड में लाता हूँ, ठीक है। एक अदद मैं BR दे देता हूँ ताकि वो नई लाइन में स्टार्ट हो, ठीक है। ये मैंने रख दिया। अब मेरे पास ये IMG_girl करके कोई इमेज मौजूद नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक अदद फ़ोटो उठा लेता हूँ कहीं इंटरनेट से जाके। मैंने कहा भाई कार की एक फ़ोटो मुझे दे दो, मैं इमेज में गया, ये मेरे पास एक कार की फ़ोटो आ गई। इसको मैंने क्या किया, ओपन इमेज इन न्यू टैब, इस पर राइट क्लिक करके मैंने क्या किया, ओपन इमेज इन न्यू टैब। उससे क्या होगा,
ये यहाँ पे ना इमेज ओपन हो जाएगी। अच्छा डाउनलोड ही हो गई डायरेक्ट, ओपन इमेज इन न्यू टैब करने से वो डाउनलोड ही हो गई डायरेक्ट। खैर मैं कोई दूसरी ये वाली करता हूँ ना जो प्रॉपर हो, ओपन इमेज इन न्यू टैब, सही है ये खुल गई इमेज, ठीक है। अब ये देख रहे हो जो ऊपर यूआरएल आ रहा है, ये यूआरएल जो आ रहा है ना ऊपर, ये मैंने यूआरएल कॉपी कर लिया, ये यूआरएल मैं डायरेक्ट भी वहाँ पे दे सकता हूँ एसआरसी की जगह पे। ये जो यूआरएल मेरे पास है, आ जाते हैं ज़रा, मैंने ये एसआरसी के अंदर क्या लिख दिया, ये यूआरएल पूरा एंटर कर दिया। अच्छा लाइनों को ब्रेक भी कर सकता हूँ मैं, लाइन चेंज भी कर सकता हूँ अगर ज़्यादा लंबा हो जाए ना। ये मैंने यूआरएल पूरा लिख दिया, ठीक है। यूआरएल लिखने के बाद मैंने सेव किया, अब अपनी वेबसाइट पे जाके देखता हूँ, ये देखो मुझे इमेज नज़र आ गई है प्रिंट हो गई। अच्छा इमेज स्ट्रेच इस वजह से हो रही है कि इसको मैंने जो एस्पेक्ट सिर्फ विर्थ दे देता हूँ, हाइट हटा देता हूँ, सही है। इसका साइज़ छोटा, सिर्फ विर्थ को मैं छोटा करूँगा ना साइज़ का छोटा हो जाएगा, ठीक है। मैं सिर्फ विर्थ को छोटा करूँगा, हाइट वो अकॉर्डिंगली खुद ही छोटा कर देता है। तो ये मैंने इमेज को डिस्प्ले करवा दिया। अब दूसरा तरीका क्या है कि ये इमेज मैं क्या कर दूँ, अपने पास कंट्रोल एस करके सेव कर लूँ। सेव मैंने कहाँ पे कर दिया, भला डेस्कटॉप पे कर देता हूँ सेव। इसको मैंने डेस्कटॉप पे, ये इमेज आ गई मेरे पास। अब इस इमेज को मैंने कहाँ भेजना है, मैंने उस फोल्डर में भेजना है जहाँ पे वो एचटीएमएल की फाइल है, ठीक है। जाहिर है वहीं पे होगा, जभी तो ये काम करेगा ना। इंशाल्लाह हम इस वेबसाइट को होस्ट भी करेंगे कहीं ना कहीं क्लाउड में, ठीक है। अच्छा तो मैं चलता हूँ ज़रा इसको, ये हेलो वर्ल्ड का जो फोल्डर था ना इसमें ले जाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। फोटो का नाम बड़ा मुश्किल सा है तो मैं इसको कर देता हूँ कार डॉट जेपीजी, ठीक है। फोटो का नाम मैंने क्या कर दिया, थोड़ा सा चेंज कर दिया, ठीक है। पहले इसका नाम कोई लंबा चौड़ा सा अजीब सा था। अच्छा तो अब मैंने क्या करना है, अब मैंने ये करना है कि ये जो एसआरसी था ना, इस पूरे को मैं बल्कि कॉमेंट कर देता हूँ। अच्छा ये कॉमेंट क्या चीज़ है, मैं इसको सेलेक्ट करके ना इस कोड को रोक सकता हूँ। इसका शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश, इसी से ये वापस अनकॉमेंट भी हो जाता है। कॉमेंट हम उस सूरत में करते हैं कि जब कोई भी कोड हमें वक्ती तौर पे रोकना होता है, ठीक है। अभी ये कोड लिखा हुआ तो है यहाँ पे, लेकिन इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा, इस कोड को कंप्यूटर चलाएगा नहीं, कंप्यूटर इस कोड को इग्नोर करेगा इतने कोड को, ठीक हो गया। अच्छा मैं ये आईएमजी का ना एक नया टैग लगाता हूँ, देखो आईएमजी का मैंने क्या किया, एक नया टैग लगाया। और अब मैं क्या करूँगा, डॉट स्लैश का मतलब है कि इसी फोल्डर में कार डॉट जे पी जी के नाम से एक इमेज है, वो आप उठा लो। ये मुझे वी एस कोड ने देखो सजेशन भी दे दी, जैसे ही मैंने लिखा ना डॉट स्लैश, ये वी एस कोड ने मुझे सजेशन दे दी कार डॉट, मैंने इसको एंटर कर दिया, ठीक है। तो इस तरह भी मैं इसको डिस्प्ले करवा सकता हूँ, ठीक है। आता हूँ मैं ज़रा, आप देखते हैं क्या रिपोर्ट है इसकी। मैंने रिफ्रेश किया तो ये देखो इमेज ऐसे भी डिस्प्ले हो गई, ठीक है। इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर देते हैं। विड्थ मैंने कहा कि भाई आप लगा दो 200, ठीक है। इमेज ऐसे भी डिस्प्ले हो गए। तो ये इमेज डिस्प्ले करने के दो तरीके हो गए। तो आपको अपनी सीवी के अंदर अपनी प्रोफाइल पिक्चर भी डिस्प्ले करवानी है। और क्या चाहिए होता है सीवी में, हाँ टेबल्स, यस टेबल्स। अच्छा यहाँ पे आके मैंने क्या कहा, ये जो मेरे मार्कअप की लिस्ट थी ना, इसमें आके कंट्रोल एफ किया, टी ए बी एल ई टेबल, ये आ गया मेरे पास टेबल। और ये क्या करता है, डिफाइंस अ टेबल। अब ये टेबल मुझे नहीं पता कैसे चलाते हैं, मैं इसके अंदर चला गया। इसके अंदर जब मैं गया तो देखें इन्होंने ना ये एग्जांपल बना के दिखाई भी है कि टेबल, ये टेबल ऐसे है, उसमें टी आर यानी टेबल की रो, और टी एच टेबल की हेडिंग, और टी डी यानी कि टेबल का डेटा, या उसको सेल भी कह सकते हैं आप, वो पूरा बनाया मैंने। ट्राई इट योर सेल्फ पे क्लिक किया मैंने, आप देख रहे हैं ये जो इतना मार्कअप लिखा हुआ है, ये आप मार्कअप देख रहे हैं, ये टेबल यहाँ से शुरू हुआ है टी आर टी एच, और ये टेबल आप नीचे देखें, ये इस जगह पे टेबल ख़त्म है, और इसका जो रिज़ल्ट है ना वो यहाँ पे आ रहा है, ये उसका रिज़ल्ट है, ठीक है। तो ये मार्कअप को लिखना कैसे है वो आपको बताया हुआ है, मार्कअप कौन कौन से पॉसिबल मार्कअप्स हैं उसकी लिस्ट बनी हुई आपके पास, और इसको इस्तेमाल करते हुए आपने अब एक अदद सी वी अपनी तैयार करनी है, हो जाएगा ये जी। सॉरी इमेज की अलाइनमेंट, अच्छा फिलहाल इमेज की अलाइनमेंट सेट ना भी हो तो चलेगा,
क्योंकि अच्छा जाहिर है मैं बोल तो मैंने दिया कि HTML में इतना ही है, लेकिन अब इसके साथ ना एक चीज़ होती है CSS, स्टाइलिंग के लिए इस्तेमाल होती है, तो वो हम कवर नहीं कर रहे फिलहाल, हम इतना पहले कर लेते हैं थोड़ा सा, वो भी मैं ओवरव्यू दे दूंगा, नॉट अ बिग डील। हाँ वो स्टाइलिंग से रिलेटेड जो चीज़ें ना वो HTML, पहले असल में HTML और CSS अलग अलग नहीं थी, एक ही होती थी, जब शुरू शुरू में आई थी तो एक ही होती थी, BG करके इसमें टैग होता है उससे कलर चेंज हो जाता है, ठीक है, लेकिन बाद में इन्होंने बोला कि यार ये बहुत ज़्यादा मैसी हो रहा है तो अलग अलग कर दो, तो CSS करके एक छोटी सी चीज़ अलग कर दी उन्होंने, तो वो भी हम देख लेंगे थोड़ा सा। अच्छा जी, तो ये हमने क्या बना लिया, एक छोटी सी CV बना ली HTML के ज़रिए, और वो दरअसल एक वेबसाइट होगी, दरअसल वो क्या होगी, वो एक वेबसाइट होगी। अच्छा, अब इसमें मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोगों से ये CV बन जाएगी, और अगर कोई आपका सवाल है अभी तक जो भी हमने चीज़ें पढ़ी हैं तो वो अभी पूछ लें आप मुझसे। हाँ हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है, सबमिट कैसे करेंगे, सबमिट तो यहाँ पे आप आएंगे, मैं ये जो air.sysborg है ना ये ओपन करूँगा, आपसे कहूँगा लिंक भेजो सारे इसके ऊपर, तो आप सब लिंक भेजेंगे मुझे मिल जाएगा, लेकिन अब अच्छा सवाल ये है कि असाइनमेंट जो है ना वो जब तक GitHub में अपलोड नहीं होगा वो एक्सेप्टेबल नहीं है। हम कल ये सीख चुके हैं कि GitHub इस्तेमाल कैसे होता है, जो कल की क्लास में नहीं थे उसकी मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके डाली है कल की, वो यूट्यूब पर उसका लिंक ग्रुप में सब लोगों के पास है, जो जिन्होंने देर से ग्रुप ज्वाइन किया वो ज़रा रिक्वेस्ट कर देना, कोई भेज देगा आपको, सही है, तो वो कल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, उसको देखकर ये CV तो बनानी है, लेकिन ये CV एक रिपॉजिटरी में आपके पुश होनी चाहिए, GitHub के ऊपर ये मौजूद होनी चाहिए, कोई भी मुझे ना ये USB में लाता हुआ नज़र नहीं आए, या बोले सर वो गूगल ड्राइव में मेरे पास है, या वो बोले सर मेरे लैपटॉप में है आप देख लें यहाँ पे आगे, नहीं ये चीज़ें दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है, आपका जो कोड है आप एक रिपॉजिटरी बनाएंगे, कहाँ पे जाके github.com पे जाके एक रिपॉजिटरी बनाएंगे, उस रिपॉजिटरी का बकायदा एक नाम रखेंगे कि CV प्रोजेक्ट या MyCV, ऐसे जो भी आपका मुनासिब लगे नाम, उस नाम से आप रिपॉजिटरी बना के और उसमें अपना सारा कोड रखेंगे, ठीक है, और अगर कोई भी इसमें प्रॉब्लम आए इस प्रोसेस में कि उसको अपलोड करने में, तो आप मुझसे कल की क्लास में भी पूछ सकते हैं, ग्रुप में भी सवालात कर सकते हैं। कल की क्लास में अल्हम्दुलिल्लाह सब लोगों ने एक छोटा सा टेक्स्ट फाइल बना के उसको GitHub में पुश करना सीख लिया था, सब लोगों से वो हो गया था, ठीक है, अगर स्टिल किसी को कोई प्रॉब्लम है उसमें तो वो ग्रुप में सवाल करेगा, कल की क्लास में भी, अभी भी मुझसे आप सवाल कर सकते हैं, लेकिन आज के बाद जितने भी हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाएंगे जब तक वो GitHub में आप उसको पुश नहीं करते, एक अच्छा हर प्रोजेक्ट एक नई रिपॉजिटरी में होगा, ये नहीं कि एक ही रिपॉजिटरी में सब डाले जा रहे हैं, हर प्रोजेक्ट एक अलग रिपॉजिटरी में होगा, क्योंकि रिपॉजिटरी नई बनाने के कोई पैसे थोड़ी मांग रहा है आपसे, वो फ्री है, ठीक है, मेरे पास आपने देखा था कल 300 रिपॉजिटरीज हैं, तो आप 3000 बना दें मना नहीं करेगा आपको GitHub, सही है, तो आप हर प्रोजेक्ट के लिए एक नई रिपॉजिटरी बनाएंगे, और जब मैं आपसे प्रोजेक्ट आपसे मांगूंगा तो आप क्या करेंगे, रिपॉजिटरी का लिंक मुझे भेजेंगे, मैं वो खोलूंगा, मुझे आपका सारा कोड सामने नजर आ जाएगा, ठीक है, मुश्किल तो नहीं है, मुश्किल लग रहा होगा अभी मुश्किल क्यों नहीं है, मुश्किल तो है, लेकिन मुश्किल चीज़ के ही पैसे हैं भाई, आसान चीज़ के ना कोई पैसे नहीं हैं, ये बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, ये हकीकत लेकिन यही है कि आसान चीज़ के भाई कोई भी पैसे नहीं है, ठीक है। रोज़ का लेक्चर मैं अभी वाला रिकॉर्ड कर तो रहा हूँ, आज वाला शेयर भी कर दूंगा मैं, लेकिन आपको ये लेक्चर इस तरह करके शेयर नहीं करूंगा मैं, उसका रीज़न ये है कि मैंने इससे पहले ये एक्सपीरियंस किया है, जब आपको रिकॉर्डिंग वगैरह करके दी जाती है ना तो क्लास की अटेंडेंस डाउन हो जाती है, ये एक साइकोलॉजिकल बिहेवियर है ह्यूमन का, बंदा बोलता है कि यार चलो अभी आज मन नहीं कर रहा जाने का, आज मैं छोड़ देता हूँ, एबसेंट हो जाता हूँ, रिकॉर्डिंग तो मुझे रात तक वैसे ही मिल जाएगी, तो वो मैं देख लूँगा, जो कि वो कभी भी नहीं देखता। अच्छा, एक दिन का अब लेक्चर गया उसका, अब वो अगले दिन सोचता है कि यार अब जाना तो है, लेकिन लास्ट क्लास में कोई असाइनमेंट मिला होगा, पता नहीं क्या पढ़ाया होगा, आज मैं जाऊंगा ना मुझे आज की चीज़ तो समझ ही नहीं आएगी, तो मैं एक काम करता हूँ, आज घर पे रहता हूँ, आज लास्ट वाला लेक्चर देख लेता हूँ, ठीक है, और आज वाला लेक्चर वो रात में देख लूँगा, फिर अगली क्लास में चला जाऊँगा, दोनों नहीं देखता हूँ, सही है, ये प्रूव्ड है ये चीज़, वो दोनों नहीं देखता है।
नहीं, कोर्स खत्म होने के बाद करूँगा मैं अपलोड, आज वाली कर दूंगा मैं, आज वाली कर दूंगा, लेकिन ये रेगुलर आपको नहीं मिलेगी रिकॉर्डिंग, ये अभी से बता रहा हूँ। तो अल्टीमेटली होता क्या है, वो कहता है यार मैं तो अभी एक वीक पीछे हो गया हूँ पूरी क्लास से, अब तो ये तो मैं पीछे रह गया कोर्स में, अब तो मैं पिकअप नहीं कर पाऊँगा, फिर वो छोड़ देता है, दूसरी डिस्ट्रैक्शन में कहीं और लग जाता है। पहले इतना तो बनाओ, सीवी बनाओ पहले, ठीक है, जितना वो जितने भी टैग्स है ना उसी के अंदर ही सारा लिखा हुआ है, तो पहले इतना बनाओ सीवी। ये आगे पीछे वाले ये सवाल इंशाल्लाह कल आप लोगों के मैं लेता हूँ, ठीक है, अभी हम क्लास की टाइमिंग से भी थोड़ा ऊपर आ गए, तो इतना पहले बनाओ, गिटहब में पुश करो, इंशाल्लाह कल जो है ना सब लोगों का अगली क्लास में कोड, इसका कोड मैंने गिटहब में पुश कर दिया ना, हाँ पुश कर दिया, इस रिपोजिटरी का लिंक मैंने शेयर भी कर दिया आप लोगों से, ठीक है, मैं दोबारा भी कर देता हूँ, ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ। तो ये कोड सारा जो भी मैं कोड लिखूंगा क्लास में, ये आप लोगों के पास ना github.com पे अवेलेबल होगा, ये मैंने क्लास कोड लिखा और ये पुश कर दिया, सही है, ये कोड मैंने github.com पे पुश कर दिया।